उज्जैन से पधारे हुए हमारे प्रवक्ता, जो हमारे स्वामी जी पर कथाकार बैठे हैं, उनका भी हम हार्दिक हृदय से अभिनंदन करते हुए और अंततः सबके भीतर विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए आज की सभा प्रारंभ करता हूं और अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करता हूं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खा नाम निद्रया कलेन च। शास्त्रों में कहा है कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनका शास्त्र चिंतन से, सत्संग से, गुरु की सन्निधि से ही समय व्यतीत होता है, अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं, और जो तद इतर हैं वो व्यसन के द्वारा अथवा निद्रा के द्वारा, दोनों नहीं होगी तो कलह के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा अपने समय जीवन व्यतीत करते हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यवान हैं जो इस सभागार में भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए संतों द्वारा अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, जैसा उनका विचार, जैसा उनका मत, जैसी उनकी मति, उसके अनुसार वो हमें प्रेरणा देंगे, हमें आशीर्वचन भी देंगे, ये हमारा अहो भाग्य है। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, रिते ज्ञाना न मुक्ति। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है तो वो सतगुरु का सानिध्य, सत्संग, साधु महापुरुषों का सानिध्य एवं सत्संग है। एक बार छन्नी में प्रोग्राम हो रहा था तो एक संत महात्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि दो तरह से हमारा कल्याण निश्चित है, एक जा तो संत हमारा हाथ पकड़ लें, जा फिर हम संतों के चरण पकड़ लें, जा संत हमें पकड़ लें, जा संतों को हम पकड़ लें, तो ही हमारा कल्याण इस धरातल में सुनिश्चित है। लेकिन हम सभी राजौरी वासियों का अहो भाग्य है जो हम भी संतों को पकड़े हैं और सारे संत भारत से आके हमें भी आशीर्वाद देने के लिए हमारा हाथ पकड़े। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए सभाध्यक्ष जी से आज्ञा लेते हुए मंच का संचालन प्रारंभ करता हूं। ओम भद्रन्नो अपिवातय मनः, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो आज के इस सभा में सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं अद्वैत चैतन्य जी से, जो आके इस सभा में और चांद चांद लगाएं अपने भजन के माध्यम से, श्री अद्वैत चैतन्य जी महाराज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री परम गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अटल पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान निर्माण अखाड़े से
पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री अक्षरानंद जी महाराज जी के चरणों में छत छत नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सब संतगण सबके चरणों में ओम नमो नारायण, स्वामी जी के समक्ष बैठे समस्त भक्तजनों को ओम नमो नारायण। आप सभी पिछले 7 दिनों से स्वामी जी के मुखारविंद से ज्ञान गंगा का जो प्रवाह बह रहा था उसमें सब आप स्नान कर रहे थे। स्वामी जी ने अनेकानेक युक्तियों से दृष्टांतों के माध्यम से आपको ज्ञान गंगा का स्नान करवाया। परम गुरुदेव जी के निर्माण के उपलक्ष्य में आप सभी ने उनके माध्यम से ज्ञान अर्जित किया। निश्चय ही आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव जरूर ही आएगा। स्वामी जी के चरणों में गुरु की महिमा तो हजार फनों वाले शेष नाग भी नहीं गा सकते, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं गा सकते, तो हम क्या गाएंगे। थोड़ी उनकी चरणों में ही भजन के माध्यम से हम अपने विचार रखेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए, फिर भी मना रहे हैं फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए, इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना रहे हैं
आए इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए तृप्त हो न पाए इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाए फिर भी मना रहे शायद तू मान जाए इस योग्य हम कहाँ हैं तुझे रिझाए इस योग्य हम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अति सुंदर अति उत्तम अति शोभनीय है इस योग्य हम कहां हैं गुरुवर तुम्हें रिझाए। कहते हैं कीटोपि सुमना संगात आरोहति सताम शिरः। कीड़ा होता है ना फूल में, कीड़ा छोटा सा कीड़ा जिसकी कोई भी कीमत नहीं है, किंतु वो भी फूल में बैठ के भगवान के महापुरुषों के सिर तक पहुंच जाता है। तो हम तो कीट समान इस जीवन में हैं, सामान्य जीव, किंतु गुरु की कृपा से हम भी सुप्रतिष्ठित हो जाते हैं, हम भी वहां पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े महापुरुषों की गति होती है। ये बड़े सुंदर वचनों से अपना भजन के द्वारा अपना भाव प्रकट किया अद्वैत चेतन जी ने, इसके लिए हम बड़े बड़े आभार व्यक्त करते हैं।
अब मैं निवेदन करना चाहता हूं श्री स्वामी विश्वात्मानंद गिरी जी महाराज, जो हमारी मंडली में ही विराजमान रहते हैं, वो अपना अमूल्य समय देकर हम पर कृपा करें। विश्वात्मानंद स्वामी जी महाराज। ओम भद्रंगो अपि बातय मनः। अर्चनीय वंदनीय अटल पीठाधीश्वर महाराज जी के चरण में कोटिशः प्रणम्य उपस्थित निर्वाण आखरा के सद्य आगत महामंडलेश्वर जी को प्रणम्य, उपस्थित संत वृंद, भागवत भक्तजन और भक्तिमयी माताएं, आज सप्त दिवस हम लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं और इसमें हम लोग चिंतन मनन और अनुसंधान कर रहे हैं भागवत का। कहते हैं, तत्रैव गंगा च मुना च बेने गोदावरी, तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति, तत्र यत्र अच्युत कथा प्रसंग। अच्युत भगवान का एक नाम है, अच्युत। अच्युत मतलब जो स्वरूप से च्युत नहीं होता है, स्वरूप में जो रहते हैं अच्युत, उसी को भगवान का और एक नाम है अस्तुत और अच्युत। क्षण संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा के साथ जब हम जोड़ते हैं तब हम भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है। परमेश्वर का जब कृपा होती है तभी सत्संग के लाभ मिलती है। धन्यगरी से जब सत्संगा, भगवान शंकराचार्य यहाँ चरपट पंजरिका में यहाँ तक है, क्षणमपि सज्जन संगतिर संगा भवति भवार्णव तरणे नौका। भगवान भागवत आज सप्त दिवस हम भगवान इस एक परम भागवत महाराज जी से है और एक ग्रंथ रूपी भागवत और एक भागवत, इस भागवत महा भागवत में हम लोग अवगाहन कर रहे हैं आज सात दिन। तो भागवत का श्रवण का महिमा यही है कि हमें सर्वत्र परमात्मा का दर्शन हो जाए, सब वस्तुओं में भगवान का साक्षात्कार होने लग जाए। भगवान का साक्षात्कार कैसे हो हम समझेंगे, ये जगत भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप कैसे है इसलिए विशेषण दिया गया है सच्चित आनंद। सत अर्थ, सत का अर्थ है होना, अस्ति, चित का अर्थ है भांति और आनंद का अर्थ होगा प्रिय। संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जहां पर अस्ति भांति प्रिय ना हो, सच्चित आनंद ना हो। परमात्मा का स्वरूप है अस्ति भांति प्रिय। अस्ति का अर्थ है सत्ता, सत्ता। भांति का अर्थ है चिद रूपता और आनंद का अर्थ है आनंद रूपता। इसलिए इसी का दर्शन हमें करना है, साक्षात्कार करना है। समस्त जगत के अंदर इस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब क्या होगा, न ही नस्ति आत्मनात्मानम तत्व याति पराम गतिम। गीता में आपने सुना होगा, समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम। सब जगत में जो समदर्शन करे, सम माने ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थितः। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना, पूरे जगत के अंदर हमें ब्रह्म दर्शन करना है, क्योंकि अस्ति के बिना कोई चीज नहीं है। और भात प्रमेय सिद्धि तब होगी जब आपके पास प्रमाण हो, चिद्रूप उस परमात्मा के प्रकाश से जीव हम जगत को देखते हैं और सर्वत्र
सर्वत्र भास रहे हैं, प्रतीति होती है, और साथ ही सब जगत आनंद ही आनंद है। आनंद के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। संसार में ऐसा कोष नहीं, कोई भी नहीं है। आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासुः तब ब्रह्म इति। आनंद से सृष्टि, आनंद से स्थिति, और आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। आनंद के बिना कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। अस्ति भाति प्रिय रूप में सच्चिदानंद परमात्मा सभी जगत में विद्यमान है। बात यह है, हम बोलते जरूर है, अस्ति भाति प्रिय, ये तीनों का प्रयोग भी करते हैं। यह ज्ञान गंगा मठ है, अस्ति बोलते हैं और हमें देख रहा है, इसलिए भांति और बैठे आनंद मिल रहा है, इसलिए आनंद रूपता भी है। इस जगत, इस भागवत ग्रंथ, यहाँ भागवत ग्रंथ है, अस्ति बोलते हैं और भागवत ग्रंथ दिख रहा है, इसलिए भांति और आनंद रूपता है प्रिय। परंतु बात यह है, जो अस्थि भाती प्रिय हो रहा है वो परिच्छिन्न है। एक एक करके जोर के हम बोलते हैं, भोजन है और भोजन दिख रहा है, और भोजन भोजन के आनंद मिल रहा है। उपाधि जोड़कर परिच्छिन्न रूप से है, दिख रहा है। अस्थि भाते प्रिय परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, परंतु अपरिच्छिन्न परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। परमात्मा परमात्मा क्यों, वो परमात्मा तो है सच्चित आनंद, अपरिच्छिन्न सत, अपरिच्छिन्न चित और अपरिच्छिन्न आनंद। अपरिच्छिन्न मतलब असीम, परमात्मा असीम सत है, असीम असीम चित रूप है और असीम आनंद रूप है। परमात्मा कैसे है, सच्चिदानंद रूपाय, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध सत, शुद्ध चित, शुद्ध आनंद रूप है। हमें जो देखते हैं उसमें कुछ मिलावट है, ऐसा है। सत्ता अनृतम मिथुनीकृत अयम व्यवहार, हम जो व्यवहार कर रहा है सत और साथ में झूठा भी है, सत और झूठा मिलाकर हम, इसीलिए कहते हैं सत्ता अनृतम मिथुनीकृत अयम व्यवहार। मकान है, मकान दिख रहा है और मकान बहुत आनंद पता है। जब उपाधि हटा दिया जाए तब आप शुद्ध सत आनंद को देखेंगे, अनुभव करेंगे। इसलिए कहते हैं परमात्मा का, इसी को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। इसी को नाहम वसामि वैकुंठे जुगिनाम हृदये च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आप आँख खुल कर रहिए, आँख बंद करके रहिए, आपको परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है, होता रहेगा, आगे भी होता ही रहेगा। सिर्फ उपाधि को निकालिए, उपाधि को निकाल देंगे तब शुद्ध सच्चिदानंद का दर्शन करेंगे। इसलिए ब्रह्म के दो रूप है, देवा ब्रह्म रूपे मूर्तम च अमृतम च। मूर्तम इत्यपि न, अमूर्तम इत्यपि न। मूर्तम क्या है, पृथ्वी जल तेज, अमूर्त क्या है, वायु आकाश, वायु आकाश, ये दोनों रूपों का निषेध करना है। इसलिए दो बार नेति नेति, ये दोनों का जो आप अंदर से निकाल देंगे, निकाल देते हैं तब तमेव विद्युत्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा अयनाय। उसी को जानो, मतलब सच्चित अखंड अखंड को ही जानो। बीच में जो आपका जो उपाधि आ रहा है, पुस्तक, पैसा पैसा, आदमी, घटपट, हाथी, घोड़ा, ये छोड़ देना है, हटा देना है। आपने आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो जाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, केवल वृत्ति को हटाइए, हटाते जाइए, सचिदानंद को, सचिदानंद आनंद को देखे। वृत्ति सारेपम इतरत्र, पतंजलि ऋषि ने कहते हैं ये जो अखंड वस्तु और ये जो अन्य वस्तु आ रहा है, ये परमात्मा दर्शन के प्रतिबंधक है। आप तो परमात्मा को ही दर्शन करते हैं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उपाधि को हटाने से अखंड सच्चिदानंद का दर्शन हो रहा है। मन में वृत्तियां पैदा हो रही है, वृत्तियां का मतलब है मकान, दुकान, घटपट आदि, इसको हटाइए और आप
स्वरूप में, आप स्वरूप में अवस्थित हो जाइए, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जैसा वृत्ति ऐसा ही आप बन जाते हैं। जन्मांतर का छोड़िए, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, हो सकता है गधा घोड़ा सब ऐसा बन सकते हैं, लेकिन हम अभी जो पतंजलि ऋषि के अनुसार वृत्ति सारेप्यम इतरत्र, हम इसी समय जो चिंतन करेंगे वही बन रहा है, परंतु आप इसी समय आप वही बन रहा है जन्मांतर के बाद, इसीलिए इसी समय आप गाधा का चिंतन करेंगे तो गाधा ही बन जाएंगे, देवता का चिंतन करेंगे तो आप देवता है। वृत्ति सर्वम इतरत्र, इसीलिए सब वृत्तियां को हटाइए, केवल सच्चित आनंद को ही उस समय आप ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मन में जो कचरा है वह निकालना है, चमक अपने आप निकाल आएंगे, शुद्ध सच्चिदानंद। अनेक यहाँ तो बोलने में सहज है, लेकिन भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धि तत्वयाति पराम गतिम, अनेक जन्म के ये लगता है, ये अनेक जन्म के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति के प्राप्त होता है। विश्व उत्पत्ति हेतु परमात्मा ही विश्व का उत्पत्ति हेतु है, और उसका निवारण कैसे होगा, तापत्रय विनाशाय, और ताप तीनों ताप आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक ताप का निवारण होगा। इसी को जानने से हम इतने दिन भागवत का श्रवण किया और भागवत की रोशनी से जीवन में और आनंद आनंदित होगा, अपना आपका जीवन पुष्प की भांति खिल जाएगा। इसी शब्द से मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम। सभी वक्ता ध्यान रखें, 10 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करें। जिधर देखूं तू ही तू नजर आता है, तेरा चेहरा हूबहू नजर आता है। बड़ा ही सुंदर अपरमित वेदांत का शुद्ध वक्तव्य महाराज श्री जी ने हमारे समक्ष में रखा। देखिए, 5 वस्तु होती हैं, अस्ति, बाति, प्रिय, नाम और रूप। जैसे ये माइक है, इसमें 5 वस्तु हैं। अस्ति मैंने है, माइक है कि नहीं, माइक है। दूसरा है बाति, भांति मैंने हमें भान हो रहा है, इसका दिखाई दे रहा है ये, तो इसका मतलब इसका भान भी हो रहा है, भांति भी है। तीसरा है प्रिय, ये प्रिय भी है, किसी ना किसी को प्रिय भी लगेगा, आप लोगों को लगे ना लगे, लेकिन वक्ताओं को बहुत प्रिय है, छोड़ते नहीं है जल्दी जल्दी, प्रियता भी है। चौथा है नाम और 5वां है रूप। इसमें से जो पहली 3 वस्तुएं हैं वो परमात्म तत्व है, अस्ति, बाति और प्रिय, ये जो तीनों हैं इसमें परमात्म तत्व है, और जो भिन्न 2 वस्तुएं हैं नाम और रूप, यही माया है, यही मिथ्या है। मैं अधिक ना कहते हुए महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी सरणी में मैं आगे स्वामी राम मुनि जी से प्रार्थना करता हूं कि अपना वक्तव्य 10 मिनट के भीतर भीतर ही दे के हम सब भक्तों को कृतार्थ करें। स्वामी राम मुनि जी महाराज, हेलो, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कन्निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाय।
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं मंच पर उपस्थित है साधु समाज एवं सत्संग प्रेमी लोगों, समय अपनी रफ्तार से भागता जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी ने कहा है कि समय को पकड़ना है तो आगे से पकड़ सकते हैं, पीछे से नहीं पकड़ में आता है, वो गायब हो जाता है। तो 7 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन थोड़ा उसमें भी बचा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि इसी में अपना काम बना लेना है। अभी आप लोग देख रहे थे ना, इसे पीछे प्रवक्ता का चल रहा था और घंटी पर घंटी आवाज जा रही थी, क्योंकि जो समय है वो निकल जाता है तो फिर आता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है कि जो समय का कीमत देता है वो अनमोल हो जाता है, और जो समय का कीमत नहीं वो बेमोल हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि समय का कीमत देना चाहिए। तो समय का कीमत क्या है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सतत विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, और 1,00,000 कामों को छोड़ करके दान पुण्य कर लेना चाहिए, और 1,00,000,000 कामों को छोड़ करके प्रभु का भजन कर लेना चाहिए। तो अब इसमें विचार कर लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण वाला काम क्या हुआ। तब अगर विवेक बुद्धि होगी तब तो दिमाग में होगा कि भाई सबसे पहले तो क्या होगा कि भजन ही नजर आ रहा है, नहीं तो सुबह होते ही लोगों को क्या चाहिए, पहले चाय, या जो नशेड़ी है उनको सिगरेट बीड़ी या तम्बाकू जब तक नहीं खाते उनको शौच ही नहीं उतरता है। तो जो आदमी जब इन्हीं चीजों के आदि हो गए हैं, चाय पी करके ही उनकी जिंदगी उठने का शुरुआत होती है, वो भगवान का नाम क्या ले सकते हैं। इसलिए जो ऐब है इससे बच करके जीवन को सावधानी से आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए संत पलटू साहब कहते हैं कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आतुरी का मतलब होता है जल्दी, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धर करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नितु चढ़ता, भज लीजिए भगवान याही में भलाय अपना, आवागमन मिट जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आप लोग इतने दिनों से भागवत सप्ताह का कथन सुन रहे थे, परीक्षित जी महाराज को 7 ही दिन थे। परीक्षित जी महाराज को कितने दिन थे, 7 दिन था, पक्का था कि 7 दिन के बाद उनको सांप डसेगा तो मृत्यु होगी। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अरे 7 दिन के तो उनको तो चलो, लेकिन यहाँ तो क्षण मात्र का भी पता नहीं कि कब सांस हमारे निकल जाए। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समार, शंकराचार्य जी महाराज के अनुसार, पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान, यहाँ एक बस क्षण भर का ही संग सत संगत का ही भाव, भाव सागर से तरणे तरणे में बन जाता दृढ़तर नाव। आप लोग पद्म पत्र फूल, कमल का फूल होता है, उस पर आप जो उसका पत्ता होता है पुराइन बोलते हैं, उस पर आप जल डालिएगा तो ढरक जाता है। इसी तरह संत महात्मा कहते हैं हम प्राणियों का जीवन ही ऐसा है कि क्षण मात्र में अभी हैं, अगले क्षण क्या होगा कोई पता नहीं, हम यहाँ से चल रहे हैं आज जाते जाते घर क्या हो जाए रास्ते में कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ बस एक क्षण भर का
सत्संगत क्या भाव, अगर जीवन में हमने सत्संग कर लिया है तो क्या होगा कि हमारा उद्धार करने का रास्ता निकल गया है। अगर हमने सत्संगत नहीं किया है तो हमारा समझिए उद्धार होने वाला नहीं है। कल आप स्वामी जी से बहुत गंभीर बातें सुन रहे थे कि 100 जन्मों तक शिव जी की पूजा करते रहिए और आपने किसी महापुरुष का संग नहीं किया है तो कभी भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। समय का बहुत दस में ही बस कर देना है, लेकिन सारी बातों को एकदम शॉर्टकट मारा जाता है रास्ता। जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब जल्दी है तो जो महत्वपूर्ण बात होती है उसी को कह करके बात आगे टाल दी जाती है, थोड़े में ही समझने की कोशिश करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग के प्रभाव से आदमी जो है महान बन गया। संसार में देख लीजिए जितने भी महान महान हुए हैं उनको उनके जीवन में देखिएगा तो सत्संग किया। अब जरा हम लोग देख लें, भागवत में तो सुने हैं लेकिन एक संत कहते हैं कि दासी के नारद, नारद जी क्या थे, दासी के पुत्र थे, दासी के नारद हिरणी के श्रृंगी ऋषि अंडा से बिंडा सुखदेव जी कहात है। अंडा से देखिए क्या सुखदेव जी बन गए। फिर कहते हैं गागरी से कुंभज, गागरी से कुंभज रेणुका से परशुराम और कुलंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। फिर कहते हैं कि मत्स्यगंधा से व्यास, मत्स्यगंधा मछली मारने वाले, मत्स्यगंधा महाभारत की कहानी आप लोग सुने होंगे, उसमें क्या था मत्स्यगंधा से व्यास, व्यास मुनि जो हुए मछली मारने वाले के घर से वो पैदा हुए लेकिन ऋषि के द्वारा से पैदा हुए तो ऋषि बन गए। मत्स्यगंधा से व्यास, रेणुका से परशुराम। अभी 10 मिनट नहीं हुआ आप घंटी न बजाएं, हम देख रहे हैं। तो मत्स्यगंधा रेणुका से परशुराम और क्षुद्रन्नी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहें कभी केशवदास कहें कहां लग करो बखान, आज सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहात है। वाल्मीकि देखिए डाकू हत्यारे थे लेकिन नारद बाबा मिल गए, क्या बन गए आज ऐसे ऋषि बन गए कि राम जी अभी पैदा नहीं हुए रावण ने लिख के रख दिया। किसका प्रभाव हुआ, सत्संग का। इसलिए आप लोग धन्य हैं जो ऐसे महाराज जी के सत्संग में, महाराज जी के भी गुरु महाराज जो गंगदेव जी महाराज है, हमने तो दर्शन नहीं पाया लेकिन इनकी महिमा बहुत सुने। अब सुन करके इसी उद्देश्य से आता हूँ कि हमको ज्ञान मिलने से क्या होता है, आदमी का मन मजा रहता है। कुछ लोग सोचते हैं क्या करना है, हमेशा सत्संग करने से क्या फायदा, लेकिन सत्संग हमेशा करने से क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि बर्तन को हमेशा नहीं मांजिए तो क्या होगा, काला हो जाएगा, और उसको मांजते रहिएगा चमकता रहता है। इसी तरह हम लोगों का मन जो है जब हम सत्संग करते रहते हैं तो ये चार्ज होते रहता है, और चार्ज होता है तो हमारा मन बुलंद रहता है, फिर हमको बैराग होता है। इसीलिए कहते हैं धर्म से विरति योग से ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो धर्म को कर्म करते हैं उनके अंदर बैराग आता है, अब ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, तो क्या होता है जब ज्ञान हो जाएगा तो आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए हम सभी प्राणियों का यही जीवन का लक्ष्य है कि हम लोग शरीर और संसार में कैद हैं, जब तक इस शरीर और संसार में कैद हैं कोई सुखी नहीं है। इसलिए इसे छूटने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सत्संग करते करते साधन करना होगा, ध्यान करना होगा। जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परम ब्रह्म ले निहारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूलतन में बाहर फिर गवारा। तो ऐसा है जी, यहाँ तो यमराज तो 1 मिनट नहीं छोड़ता, यहाँ शायद 1 मिनट छुट्टी दे देंगे लेकिन मैं इतना समय नहीं लूंगा, मेरा समय पूर गया है और मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो ये चमड़े की जी भाई से कुछ त्रुटि पुटी हो गई होगी तो इसको आप लोग क्षमा करेंगे बालक समझ के। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी गंगदेव जी महाराज की जय। एक कथानक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ। एक नेताजी एक जगह पे कुछ था, उनको स्पीच देनी थी, वहां पे गए, बहुत देहात का जंगल था और वहां संयोगवश एक ही आदमी आके बैठा था, किसान। तो नेताजी बड़े विस्मय में पड़ गए कि अब देना चाहिए या नहीं स्पीच यहां पे। तो उन्होंने उसी से पूछा कि यहां पे मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं। तो किसान ने कहा देखो महाराज,
मैं तो सीधा साधा गौ चराने वाला आदमी हूं, मैं इतना जानता हूं कि एक गाय हो चाहे 100 गाय हो, चारा तो डालना ही चाहिए। तो वो खुश हो गए, किसका मतलब है भाई मैं अकेला आया हूं तो क्या मुझे भी तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो नेताजी इतने प्रसन्न हुए कि 2 घंटे तक एक ही आदमी को प्रवचन देते रहे, अपना स्पीच देते रहे। जब स्पीच पूरी हुई तो उन्होंने किसान से पूछा कि बताओ कैसा लगा आपको किसान जी मेरा वक्तव्य। तो किसान हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं तो किसान आदमी हूं, बस इतना ही जानता हूं कि 100 गायों का भूसा 1 गाय को नहीं डाला जाता है, और जिस गाय को जितनी आवश्यकता हो उतना ही देना चाहिए। तो यथा योग्य यथा समय ही हम अपना वक्तव्य भी दें, और उसी में ही हमारी सबका समय का हित होगा। और महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर आख्यान प्रकट किया कि समय की महत्ता, पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा पुनरपि पक्ष पुनरपि मासा पुनरप्ययनम पुनरपि वर्षम तदपिना मुंचति आशा मर्षम। दिन रात वर्ष महीने यूं ही जाते जा रहे हैं, 40 40 50 50 की उम्र में भी वैसे ही समय व्यतीत होता है जो प्रतिदिन होता है, किंतु आशा हमारी कि कल सुख मिलेगा कल सुख मिलेगा, इसी में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है और संसार में कुछ नहीं मिलता। इसी बात को महाराज जी ने बड़ी सुंदर अपने वक्तव्य विचारों के द्वारा प्रकट किया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वामी श्री भगवतानंद जी महाराज जी से कि अपना सुविचार हमारे समक्ष प्रकट करें, और इतना ध्यान रखें कि 10 मिनट के अंदर ही अपना वक्तव्य को पूर्ण करें। स्वामी भागवतानंद जी महाराज बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। आए अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरो त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्देव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणापयान समये कपवात पित्ते कंठावरो धन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठावरो धन विधो स्मरणं कुतस्ते। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमेव जायते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय तदो दयते विवेक। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय
अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजगुरु अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी अक्षरानंद गिरिजी महाराज मंचासीन विद्वत महानुभाव संत बिंद तथा भगवत चरणानुरागी भक्तजन तथा भक्तिमती माताएं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए असंत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ द्वई संतों का समागम भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। अगर ईश्वर का कृपा नहीं होता है तो हम यहाँ नहीं आ सकते। इसीलिए संत सभा झांकी नहीं क्यों न हरिगुण गान ने रे नरतु कौन विधि तू चाहत कल्याण संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान अजय जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये संतों का दर्शन बड़े दुर्लभ से होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव काले फलंति तीर्थानि सद्य साधु समागम। जैसे हम किसी तीर्थ का निरंतर सेवन करते हैं तब बहुत काल के बाद फल देती है, पर संत समागम से संतों का संगत से वो फल तत्काल मिल जाती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति संत समागम। इसीलिए संत कृपा बिन जिमि पातक संत दर्श जिमि पातक रही संतों के दर्शन मात्र से सब पाप धुल जाते हैं। तो संत क्या बताते हैं कि परमात्मा रहता कहाँ है, उसका वासस्थान कहाँ है, हम कैसे प्राप्त करें। तो वेदांत भी यही बताती है कि परमानंद की कैसे प्राप्ति हो, सारे दुखों से कैसे निवृत्ति हो और हम नित्य अपने स्वरूप में स्थित इस परम शांति को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। अर्जुन वह जो ईश्वर है संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब ईश्वर सबके हृदय में है हर कणकण में है फिर लोग देखते क्यों नहीं है। तो कहते हैं भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, अज्ञान बस अंधकार बस अविद्या बस उस ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। तो कौन देखता है कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्स शाश्वतम। अर्जुन तू तो संपूर्ण भाव से उस हृदय स्थित परमात्मा के शरण में जा, उससे क्या मिलेगा, उसके कृपा प्रसाद से परम शांति को तू प्राप्त हो जाएगा। तो हम कैसे उस हृदय स्थित परमात्मा के शरण में जाए। तो कहते हैं कि ये जो अध्यात्म विद्या है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होती है। उसी भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रसन्न न सेवया उपदेक्षन तिथे ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। अर्जुन उस परम ज्ञान तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू तो किसी महापुरुष के शरण में जा, उसका भली भांति सेवा कर और उनके कृपा प्रसाद से वह अध्यात्म विद्या तेरे को प्राप्त हो जाएगा। पर उसके लिए योग्यता क्या है, तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजते इंद्रिय। श्रद्धा पूर्वक और इंद्रियों का संयम करते हुए तत् श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजते इंद्रिय अज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो उस परम ज्ञान के परम ज्ञान का प्राप्ति तभी होगा जब हम संपूर्ण भाव से किसी महापुरुष के शरण में जाते हैं। इसी बात को कबीर साहब भी कहते हैं सदगुरु मेरे सुरमा करे शब्द का चोट अब मारे गोला प्रेम का अढ़ाए भ्रम का कोट। किसी महापुरुष के शरण में जाके उनका सेवा करते हुए उस विद्या को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम बिना धीरज नहीं अब विरह बिना बैराग अब सदगुरु बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। बिना महापुरुष के शरण से उनके
सही उपदेश सही मार्गदर्शन से हम उस निवृत्ति पथ तक नहीं चल सकते हैं। इसी बात को वेदांत में भी कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। जो हमारे सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसी परंपरा से उसी रास्ते में चलकर हम उस पद पर पहुंच सकते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, यक्षराज युधिष्ठिर को पूछते हैं कि पंथा क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, तो कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठो सतिर्विभिन्ना नैकुर इसिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतस्य पंथा। क्योंकि शास्त्र इतने शास्त्र हैं, 4 वेद 18 पुराण 6 दर्शन 5-4 दर्शन, तो व्यक्ति इसी में भटक जाता है, किसको पकड़े किसको छोड़े, क्या सही है क्या गलत है, ये निर्णय करने में पूरा जीवन बीत जाता है। इसीलिए कहा गया है जो महापुरुष हो चुके हैं वो जैसे हमको उपदेश करते हैं, रास्ता बताते हैं, उस रास्ते में चलने पर ही कल्याण है। आलोड्यम सर्वशास्त्राणी अब विचार जम च पुनः 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 इदम एकम सुनिष्पन्नम सत्यम नारायणो हरि। तो केवल संसार में एकमात्र हरि का नाम ही सत्य है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत असत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामेव केवलम। ये संसार में केवल हरि का नाम ही सत्य है। इसलिए कहते हैं मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरे नामेव केवलम। इसलिए निरंतर प्रतिश्वासे सभी श्वासम रामम स्मर दिने दिने पुनः श्वासन विश्वासम आगमी सतिवा नवा। अगले श्वास का पता नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए हमको प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा का नाम जपना चाहिए, इसी में कल्याण है। और कहा है, कहता हूँ कहे जाता हूँ कहा बजाए ढोल अश्वास खाली जाता है तीनों लोगों का मूल। ऐसे महंगे मूल का एक श्वास जो जाए 14 लोग के न पटतरे कहे को धुर मिलाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पर इस पथ में बहुत सारे कंटक हैं, जैसे कहते हैं भगवत गीता में दुर्लभ हो काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा हरन्ति ज्ञान रत्नानि तस्मा जागृहि जागृहि। इस पथ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे शत्रु सामने खड़े हो जाते हैं, विकारें जो है, इन विकारों को हमको नष्ट करना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के प्रधान द्वार हैं। और कहते हैं कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं भावय कोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पचन्ते नरक निगूढ़ा। ये संसार में आकर जो भी आपने को जाने बिना चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसको आत्महत्यारा कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कस्तम कोहम कुत आयात कामे जननी कोमे तात इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज भी यही कहते हैं कि आत्मानुसंधान अपने आप का खोज कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर कौन है, मेरे को जाना कहाँ है, ये सब का जो है ज्ञान केवल संत महापुरुष से ही प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। तो संतों के शरण में आकर दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। ये केवल सद्गुरु के कृपा प्रसाद से प्राप्त हो सकता है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुर वाक्येन लभ्यते। इसी बात को कहते हैं कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्य बतिच तेन अपार संबित सुखसागर एस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि एस्य चेत। जो भी संसार में आकर उस ईश्वर पथ में चल दिया तो उसी का कल्याण हो सकता है,
बाकी संसार तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। जैसे कहते हैं ना कि संसार ये भवाटवी है, इसमें केवल सार एक परमात्मा है, वो केवल संतों के संगत से ही प्राप्त हो सकता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, अब तुलसी संगत साधु की कटे कुट अपराध। दुख हरे सुख को दिए अब मन का कर दे अंत, कहा कबीर कब मिले ऐसे परम सनही संत। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग वे सो बैकुंठ न होए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग विधि क्या है, सर्वत द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्ध च अमूर्धन्या धायात मन प्राणम आस्तितो योग धारणम ओमित्य का क्षरम ब्रह्म बाहर व्याहरण मा मनुस्मरण यह प्रयाति तेजन देहम सजाति परमाम गतिम। किसी भी एक निर्ज मतलब स्थान में किसी मंदिर में एकांत में बैठ के, अब जो आपने ध्यान लगाने का मुद्रा है पद्मासन किसी भी आसन बैठकर प्रत्येक श्वास में श्वास आए तो ओम श्वास गए तो ओम, जागत में स्मिरन करे सूरत सोबत में लो लाए और सुरती डोर लागी रहे तार टूट न जाए, जो अखंड निरंतर चलता रहे एक श्वास में व्यर्थ न जाए। तेरा हीरे जैसे श्वास बातों ही बीत गए, तो इसी में कल्याण है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य की, धर्म का, अधर्म का, विश्व का, गो माता की, गीता माता की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अपरिमित और सुंदर वक्तव्य महाराज श्री ने जिया। गागर में सागर भरने का कार्य महाराज श्री ने किया है। ज्ञान, गुरु भक्ति, वैराग्य सबके ऊपर 10 मिनट में ही अपना वक्तव्य रखा, सार सार वक्तव्य हम लोगों को बताया। कहते हैं कि काफिर की है पहचान कि वो आफाक में गुम है, और मोमिन की पहचान है कि गुम उसमें है आफाक। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा में क्या अंतर है, दो शब्दों में बता दिए। जिसका मन हमेशा संसार में लगा रहता है वो पापी है, जिसका ख्याल परमात्मा की ओर नहीं जाता है वो पापी, और जिसका संसार उसके भीतर ही गुम हो गया है, अब उसको संसार का स्मरण नहीं आता, वही पुण्य आत्मा है। इसी भाव को महाराज श्री ने बड़ा सुंदर वक्तव्य के द्वारा प्रकट किया। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं निवेदन करता हूं काशी से पधारे हुए आचार्य PhD निवृत्त स्वामी जगदीशानंद शास्त्री जी महाराज, जिसे सविनय निवेदन है कि वो अपनी वाणी के द्वारा हम सब भक्तजनों को कृतार्थ करें। स्वामी जी महाराज, देयं सदा परिभवं नमविष्टदं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुदं शरण्यं भृत्यावृतिहं प्रणतबालभवाब्धिबोधं वन्दे महागुरुसुते चरणरविन्दम् त्यक्तासदुस्तजसरे सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवशिषा यदगदरण्यं मायामृगं दयितैव सितमन्नधाव वन्दे महापुरसुतेश्चरणरविन्दं वन्दे महापुरसुते चरणरविन्द। श्रीराम जय राम जय जय
श्री पंचायती अखाड़ा अटल पीठाधीश्वर महाराज जी, समादरणीय संतवृंद, भक्तवती माताएं एवं देवियों, संसार में तीन दुर्लभ हैं, त्रैमेवा तद्देवा तदवंदिके, मनुष्यत्तम मोक्षोत्तम महापुरुष संस्या। मनुष्यत्तम, मनुष्यत्तम मिल गया। रामचरितमानस में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गायंत देवा किल गीत गानी धन्यास्ते भारत भूमागे, क्योंकि देवता स्वर्ग लोक में है ना, जब तक उनका पुण्य है तभी तक स्वर्ग में रहेंगे। पुण्य छिड़ने मृत्यु लोक की विसंति, फिर उनको मृत्यु लोक में आना है, तो आने जाने में देवता जाए, तो देवता लोग भी धन्यास्ते भारत भूमागे कि हमारा जन भारत में हो और तपस्या करें और आगे बढ़े। इस प्रकार मननाति मनुष्य जो अपने अनुसार अपने आचरणों में रहे उसी को मनुष्य कहा गया है। तो मनुष्यत्तम महापुरुष, मनुष्यत्तम मोक्षोत्तम, इससे मोक्ष। तो उसमें कहा है कि मोक्ष के लिए, अब जैसे हमारे श्रीमद् भागवत का भी पारायण हुआ है, तो श्रीमद् भागवत 18 पुराणों को रचना करने के बाद वेदव्यास जी को शांति न हुआ। जब शांति न हुआ तो उन्होंने फिर भगवान कृष्ण का चरित्र श्रीमद् भागवत की रचना किया। इसलिए कहा गया विद्यावताम भागवते परीक्षा, का विद्या या विद्या जो ब्रह्म की प्राप्ति करा दे। विद्यावताम भागवते परीक्षा, या सा विद्या या विमुक्त है जो मोक्ष गया, उससे फिर वेद व्यास जी को शांति प्राप्त हुआ। इसलिए भागवत में भी कहा गया है रहुगण उसी जन नरेश थे, वो जा रहे थे पालकी में चढ़ते हुए गुरु जी के स्थान गुरु मंत्र लेने, और उसमें चार कार थे तो एक कार बीमार पड़ गया और जड़ भरत जी अपने सुर में बैठे थे, तो उन्होंने उनको उसमें जोत दिया पालकी में। और जड़ भरत जी अपने सुर में थे, उनका अलग से इतिहास से कथा है, आप लोग सब सुने जानते ही हैं। तो पालकी में जब जड़ भरत जी, चलो उनको तो कोई ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन जब कहते हैं साधु चले भुइयां भुइयां चींटियां बचा के, पालकी में लग गए लेकिन नीचे देखते कहीं चींटी जीव न मर जाए। हिंसो परमो धर्मा, मन से वचन से कर्म से हिंसा न हो। अब जैसे भारत सब भारत दीप्तो धातु है, रथ जो ज्ञान में रथ है वो भारत है। हम लोगों ने क्या कहते हैं अहिंसो परमो धर्मा का क्या प्रचार किया है, किसी को लूटने खसोड़ने नहीं है। इसलिए जितने भी अर्थ है, हिंदू शब्द क्या अर्थ है, हिम माने हिमालय सत्य, इंदु माने चंद्रमा, जो सत्य में अटल है। जैसे राजा हरिश्चंद, आज हरिश्चंद सब कुछ दे दिया लेकिन सत्य को नहीं हटाया, सत्य को इतना परीक्षा लिया। सत्य हिंदू, हिंदू माने चंद्रमा जो अमृत का वर्षा करता है, ज्ञान की वर्षा करता है, वो हिंदू है। बहुत से लोगों पता क्या है नहीं, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, शिव का अर्थ क्या है, सम सुखम कृति संग्रह मने सकल जगदानंद करा परमात्मा, शिव का अर्थ है। शिवम शांतम द्वितम चतुर्थम मनंते जागे स्वप्न, मन जागते न सोते न स्वप्न देखते,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों स्थानों से रहित सर्व दृश्य विवर्तित, मन वाणी का विषय नहीं है, सर्व दृश्य विवर्तित स्वप्रकाश उन्हीं प्रकाश से, न चंद्रभास तो सूर्य तार को, न चंद्रमा तारे उस प्रकाशित को नहीं के, लेकिन उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है सारा। जैसे लोलार कुंड काशी में है, वहां सूर्य नारायण ने तपस्या किया, भगवान शिव ने उनको संसार को प्रकाशित आशीर्वाद दिया, इस प्रकार सारी कथा उसके अंदर है। तो कहने का दाद दे रहे हैं कि आपके संतों के लिए राहुगण पालकी में उनको जोत दिया, इसके बाद जब पालकी का बैलेंस उसका संतुलन जो है ऐसा हुआ तो बोले क्या बात है, बोले महाराज जी नए नए अभी कहार लगाए हैं वही कुछ है। तो कुछ दिन जाने का वही समझता, तो राहुगण ने छड़ी निकाला, बोले देख छड़ी देखो ना ऐसे मार मारेंगे तो एक बार दो बार छमक जाने दो, फिर तीसरी बार बोले ये बतलाइए ये छड़ी तो पंच भौतिक शरीर है और शरीर निंतत शुद्ध सत्त स्वरूप है, तो तुम किसको दंड दोगे। तब राहुगण का बुद्धियों के तो कोई क्या कहते हैं विद्वान पुरुष है कोई पहुंचे हुए चरणों में पड़ गए, तो बोले महाराज आज तो कहां कहां का राहुगण तत् तपसनयति नचे जयानो निपवाग्रहाद न छंद शाउनई व जलाग्नि सूर्यई बिना महत पादर जो अभिषेकम। हे राहुगण बहुत तपस्या करने से बहुत अनुष्ठान करने से उससे कुछ भी नहीं, बिना महत बिना संतों के रच का रच किए आपको वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। बिना महत पादर जो अभिषेकम, संतों के चरणों का अभिषेक बिना किए वो परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यहीं पर नलकुबर को जब श्राप दिया तो श्राप दिया कि जाओ तुम क्या कहते नंद जड़ हो जाओ, वही नलकुबर दो वृक्ष हुए। और जब वृक्ष श्राप तो दिया जाओ जड़ हो जाओ, लेकिन महाराज क्या बोले त्रेतायु में जब भगवान कृष्ण करेंगे लीला करते हुए उखल में होंगे तब बीच में तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वहां पर क्या कहते हैं लीला करते हुए उखल से निकले तो दोनों वृक्ष अनुराग गिर गया और प्रार्थना किया नल और कुबर जो, तो क्या प्रश्न करते हैं वाणी गुणान कथन श्रवण कथाया स्मृत्याम शिरसि तव निवास स जगत प्रणामे दृष्टि शताम उदरसने स्तुभवतनून। कहते हमारी वाणी आप गुणगान करते रहे, वाणी गुणगान करते श्रवण, हमारे कान आपके श्रवण आपके चरित्र आपके कीर्तन का पान करते वाणी श्रवण कर दुन हंसतौ हाथ से हम आपकी सेवा में लगे रहे। तो कहते हैं कि वो बड़ा धात है हंसता है जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो वाणी गुणगान करते श्रवण कथाया हंसतौ चकार मासो मानस तव पद, हमारा मन आपके चरणों में हमेशा लगा रहे, स्मृत हमारी स्मृति स्मृत्याम शिरसि तव निवास स जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शने स्तुभवतनुना। हे प्रभु संत आपके साक्षात स्वरूप हैं, हमारे दर्शन उनका सदा करते रहे। भगवान जब तपस्या करने से कैसे तपसा कलुष संधंती, तपस्या से कलुष का विनाश होता, तपो ब्रह्म है बिजानाती तप के दौर से ब्रह्म करो तप ही ब्रह्म है। तो तप करते करते उनकी इसी शुद्धि हो गई, ये भगवान तो ये लौकिक वस्तु क्या मांगेंगे, उसके अक्षुण है। जब नचकेता धर्मराज के द्वार में जाते हैं तो धर्मराज कहते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दीजिए, अरे बोले ब्रह्मज्ञान की इच्छा मिले इसके बदले में तो तीन वरदान मांग लो, बड़े बड़े राजमहला और सारा मांग लीजिए लेकिन ब्रह्म विद्या के बारे में बहुत बात करिए। तो नचिकेता के शुद्धता करें उनका, नचिकेता कहते प्रभु आपकी आशीर्वाद से सब मिला हुआ है लेकिन हमको ब्रह्म विद्या का पाठ करिए। तो अंत में वह आत्मा हमारे दृष्टव्य सोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य
आत्मवर्ण दर्शन शरण मत विज्ञान सर्विदम सर्वम विदम सुतम। वो आत्मा का ही दर्शन करना आत्मा है कि चिंतन का ही आत्मा, उस आत्म दर्शन होने से सब कुछ मिल जाता है। इसलिए समय का अभाव है और इन्हीं शब्दों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अब सत्यनारायण जी एक भजन आपको श्रवण कराएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारी प्रेम से बोलिए। श्री शिव शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। किसी ने सही कहा है, हजारों फूल लगते हैं माला बनाने के लिए, कई कई दीप लगते हैं आरती सजाने के लिए, करोड़ों करोड़ों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, मगर मेरा एक सतगुरु काफी है इस जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन हो। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा तेरे अर्पण होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए श्री राधे जय हो।
आऊंगा मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा आओ भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा भाव भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा असुवन की धारा से अर्चन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा असुवन की धारा से अर्चन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा ध्यान तेरा जब निश दिन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा
कहोगे मुझको ऐसा ही मंजूर है, ऐसा भी कहोगे मुझको ऐसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की तेरी मुझ पर भरपूर है, दृष्टि दया की तेरी मुझ पे भरपूर है, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से आचार्य श्री जी ने हमें आनंदित किया। सब संतों ने अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में कंस के द्वार में जा रहे थे अपने बड़े भाई बलराम के साथ, तो दो ही थे, एक भगवान कृष्ण और एक बलराम जी। किंतु जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जाते जाते किसको क्या दिखाई दे रहा है, किसकी दृष्टि कैसी है, उसका वर्णन सुखदेव जी ने किया है दशम स्कंद में कि मल्ला नाम अश्निर निराम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्ति नाम गोपा नाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु। जो चाणूर और मुष्टिक जो पहलवान बैठे थे उनको कैसे दिख रहे हैं, बुभुक्षा की तरह, अग्नि की तरह दिख रहे हैं। कौन? कृष्ण और बलराम। और जो निर मनुष्य लोग हैं, सामान्य जनता जो खड़ी है, उनको नरू में श्रेष्ठ दिख रहे हैं कृष्ण और बलराम। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को अपने पति के स्वरूप में भगवान कृष्ण सभी को दिख रहे हैं। और गोपा नाम स्वजनों सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, गोपाओं को अपना मित्र दिख रहा है कृष्ण जी में। और जो दुष्ट राजा कंस के द्वार में आए थे उनको काल की तरह, महाकाल की तरह भगवान कृष्ण दृष्टि गोचर हो रहे हैं। मृत्युर बोज पते, भगवान कंस को कैसे दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु काल की तरह, मृत्यु की तरह आते हुए भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। सताम विराट अविदुषाम, और जो मूर्ख हैं उनको बड़े विराट, और जो उनके ज्ञान से परे हैं, विराट अर्थात जो उनके ज्ञान से भी परे हैं, अज्ञानियों को उस प्रकार से वो दृष्टिगोचर होते हुए। तत्त्वम परम योगी नाम, जो वहां पे योगी लोग थे विराजमान थे उनको आत्म तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे थे। वृष्णी नाम पर देवते विदितो, तो वृष्णी कुल वाले जो थे उनको कैसे दिख रहे थे भगवान कृष्ण, अपने कुल देव की तरह। वृष्णी नाम कुल देवते विदितो रंगंगता साग्रजा, इस तरह से भिन्न भिन्न दिखाई देते हुए भगवान कृष्ण अपने अग्रज भाई को बलराम जी के साथ पहुंचे। कहां पे?
युद्ध के मैदान में जहां कंस ने मल्ल युद्ध रखा हुआ था, तो जाकी रही बावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। इसी वाक्य के अनुसार सभी संतों ने, महापुरुषों ने जिस तरह की उनकी बुद्धि गोचर हुए हैं प्रभु आत्म तत्व, प्रभु परमेश्वर परमात्मा, उन्होंने उनको आपको उसी प्रकार समझाने का बड़ा विरल प्रयास किया है। अब संत स्वरूपी तारामंडल से निकलकर हम चंद्र और सूर्य की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं सभी ने निवेदन करता हूं परमादरणीय परम पूजनीय युवा महामंडलेश्वर ज्ञान वृद्ध अनंत श्री विभूषित 1008 स्वामी अक्षरानंद जी महाराज से कि आप जम्मू से पधारे हैं और आप हमें कृतार्थ करने के लिए राजौरी की भूमि में पधारे हैं, तो मैं सभी ने निवेदन करता हूं कि अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी की वृष्टि के द्वारा हम सबको निहाल कीजिए श्री स्वामी जी महाराज। आइए हम सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और सभी संगत ने सांस को अंदर खींचना है और धीरे धीरे मेरे साथ में 3 बार प्रणव का पावन उच्चारण अपनी वाणी से करना है। और आपसे निवेदन है कि कृपा करके जिसके पास भी मोबाइल फोन है वो स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट मोड पे उसे रखिए और बड़ी एकाग्रता से गुरु चरणों का ध्यान करते हुए पहले प्रणव का उच्चारण मेरे साथ 3 बार सभी करेंगे। आइए। तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यदिति सर्व ओंकार एव जच्चान्यत् कालातीतं तत्प्योंकार एव ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति यो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् इच्छन्त ब्रह्माचर्यं चरन्ति तत्पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत्। आप्यायन्तु ममंगाने वाक् प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि
च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मामा ब्रह्मा निराकरोत् निराकरणमस्त निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते। या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। नारायणां समारम्भान् शंकराचार्यं च मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनां नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्ताम्बुमारतण्डः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सब लोग इधर ध्यान दीजिए। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्वद समस्त उपमाओं के उपमाय समस्त विशेषणों के विशेष जिनकी महिमा को शब्दों की परिधि में कदापि नहीं बांधा जा सकता और जिनकी पावन स्मृति में ये दो दिवसीय संत समागम और कल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और उसी उपलक्ष्य में पूर्व में हम आप सब ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का महाराज जी के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर विवेचन श्रवण किया। महाराज जी के सतगुरु भगवान को शत शत नमन करते हुए कोटिशः ब्रह्मलीन महाराज जी के श्री चरणों में पहले मैं अपना नमन प्रस्तुत करता हूँ। परम श्रद्धेय परम प्रेमास्वद अनंत श्री विभूषित हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा की आन वान शान और हम सभी संतों के प्रेरणा स्रोत अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु और हमारी मुझे इस बात का गर्व है। वैसे संत को तो हम किसी भूमि के टुकड़े में नहीं बांध सकते, बड़ी व्यापकता होती है, पर मुझे इस बात का बहुत गर्व है जिस माटी पे मैंने जन्म लिया उसी माटी पे मेरे महाराज श्री जी ने जन्म लिया। और मैं जन्म नहीं कहूंगा जातस्य ध्रुवंग मृत्यु और ध्रुवंग जन्म मृतस्य च। महापुरुषों का जन्म नहीं होता है, महाराज जी ने अवतार लिया इस धरा पर और ऐसे विशाल पावन वृक्ष की शीतल छाया में और महाराज जी के समय में हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो रहा है उस दिव्यता का। और मैं अभी दोपहर को ही मुन्ना से बात कर रहा था कि मुन्ना जरा कल्पना करो कि महाराज जी का अवतार इस धरती पर ना हुआ होता या फिर जितनी महाराज जी की योग्यता है जितना टैलेंट है अगर वो भी कहीं विदेश में बढ़िया बढ़िया संस्थाएं बना लेते तो आज कल्पना करो जिस स्थान पर यह हमारा तीर्थ बना है सनातन का स्तंभ
आप, क्योंकि मैं भी थोड़ा इतिहास जानता हूं, यहां पर क्या बनने जा रहा था और आज क्या होता, ये महाराज जी की कृपा है इतना बड़ा जो तीर्थ यहां पर बना। फिर हम याद कर रहे थे अपने बचपन की बातों को कि स्वामी सत्यानंद जी का जब शरीर महामंडलेश्वर जी का शांत हुआ तो पुंछ में एक तरह से सारा सनातन समाज असहाय महसूस करने लगा और अफरा तफरी का माहौल था। अनेक महापुरुषों के नाम पर विचार हुए, अनेक प्रकार की बातें हुई, और अगर आप सोचिए आप लोग, महाराज जी का अवतार इस धरती पर ना होता और दूसरा महाराज जी अपनी कर्म भूमि इस धरती को ना बनाते तो आज हमारे पुंछ के दशनाम अखाड़ा की क्या स्थिति होती, जरा आप कल्पना करिए। और हमें कल्पना करके भी एक भय सा लगता है। फिर थोड़ा और आगे चलिए, आज जो हमारे भगवान शिव का पावन तीर्थ है बुड्ढा अमरनाथ, महाराज जी अपने पावन हस्तों से उसको सींचते नहीं, पुनरुद्धार नहीं होता है, तो हम सनातनी कल्पना कर सकते हैं आज हमारे महान तीर्थ का बुड्ढे अमरनाथ की भी स्थिति क्या होती। और महाराज जी का हमें कोटिशह पहले मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती को आपने अपनी तप का जो पीरियड था आपका, पैदल यात्रा भी की और किस प्रकार से महाराज जी की मंडली में रह करके आपने तपस्या की और जमीन से ऊपर उठते उठते आज आपने आसमान से भी ऊंचाइयों का जो मुकाम हासिल किया, ये आपकी गुरुदेवा की सेवा का फल है। क्योंकि हम संत समाज में मंडली में सब जगह आते जाते हैं तो ये सब चर्चाएं सुनते रहते हैं कि महाराज जी ने किस प्रकार से अपने गुरुदेव की सेवा की। और गुरुदेव की सेवा क्या होती है, हमें किताबें या ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, महाराज जी का जीवन देखिए, इनकी जीवन की चर्या देखिए, इनका रहना सहना उठना बैठना बोलना देखिए, हम लोगों को अपने आप ही जीना आ जाएगा। इसलिए महाराज जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और उससे भी ज्यादा साधुवाद, महाराज जी का चित्र सामने है, नमन कर सकते हैं, सर को झुका सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, हमारे पास और है ही क्या जो हम महान गुरुओं को अर्पण कर सकते हैं। मनुष्य जीवन इन सब से निराला है, अलग है। इसके पैरेलल में, इसके जैसा 84 लाख योनियों में कोई भी। जल्दी आने वाला हूं महाराज जी, एक और बात के लिए मैं कोटिशह धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन शब्द छोटे पड़ रहे हैं। यह रजौरी शहर वो शहर है जहां मैंने अपने बचपन के दिन महीने, कई कई महीने अपने गुरुदेव के साथ माता आनंद भारती नाबन संन्यास आश्रम में बिताए हैं। और महाराज जी दोबारा मुझे इस धरती पर लेके आए हैं, जिस जो धरती मेरे लिए, क्योंकि ये धरती मेरे गुरुओं की तपस्थली है, इसलिए ये रजौरी शहर किसी और के लिए केवल एक नगर हो सकता है, एक शहर हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील हो सकता है, एक जम्मू कश्मीर की धरती का छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन अक्षरानंद के लिए ये तीर्थों से भी बढ़कर महातीर्थ है। और मेरे गुरुदेव द्वारा सिंचित इस तीर्थ पर महाराज जी
जो मुझे इस मंच पर आज आने का आपको आपने सौभाग्य, ये बातें मैं सुंदरबनी में भी कहना चाहता था लेकिन उस समय बहुत सारे मंडलेश्वर थे और 5 मिनट से ज्यादा हमें बोलना नहीं था, तो इसलिए हम केवल सब्जेक्ट बोल करके ही जानबूझ के चुप करके रह गए। महाराज जी का किसी इतने उद्धार, और मैं मुन्ना से ही बात कर रहा था और भी बच्चे खड़े थे, मैंने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि महाराज जी के आचार्यत्व में जब मेरा महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ तो महाराज जी के चरणों में बैठ करके हमको चद्दर उड़ाई गई, महाराज जी की प्रेजेंस में सारा काम हुआ। हम लोग भाग्यशाली हैं जो इतनी महान प्रबुद्ध और दैविक संपदा से परिपूर्ण आचार्यों की शीतल छाया में हमको अखाड़ा के अंदर महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य मिला। हम लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अगर आचार्य योग्य ना हो तो फिर मजा नहीं आता टीम वर्क करने का। और कमांडर जब बिल्कुल उत्साह और एनर्जी अपनी सेना में भर के रखता है तो उस कमांडर के साथ काम करने का, चलने का, बैठने का, उठने का एक मजा ही और होता है। तो इन सारी ये सारी स्मृतियां हैं, बहुत सारी माताएं यहां पर विराजमान है, सब चेहरे जिन्होंने मेरा क्रॉलिंग बेबी के रूप में जहां बचपन देखा, बड़े होते हुए देखा, मेरे गुरुदेव की गोद में मुझे खेलते हुए देखा, मेरी सच्चाई किसी रजौरी वासी से या जम्मू कश्मीर वालों से छुपी हुई नहीं है कि अक्षरानंद कौन है, क्या है, कैसे है, कहां से क्या, सब आप लोग जानते हैं। तो आइए हम मुख्य विषय पर आते हैं। अभी मेरे पीछे महाराज जी बैठे हैं, नाम मैं विस्मृत हो जाता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मिलना नहीं होता। महाराज जी वेद की बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्य पंथाः विद्यते अयनाय। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? वेद प्रारंभ में ही हमारे मंच संचालन करने वाले महाराज जी ने इशारा कर दिया था, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातन में हमारा अग्रगण्य ग्रंथ वेद है सर्वोपरि, और उससे ऊपर कोई दूसरे ग्रंथ नहीं। बाकी ग्रंथ प्रमाणिक तब हैं जब वो वेद के अनुरूप बात करते हैं, और जो भी दर्शन वेद के अनुरूप बात नहीं करेगा तो उसको हमारे यहां नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई उस पंथ से जुड़ा होगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा। जहां आस्तिक दर्शन है वहीं पर नास्तिक है और वहीं पर चार्वाक भी है। तो इसलिए श्रुति ने जो आज्ञा दी, आम लोग पूछते हैं महाराज जी हमारा मार्ग क्या होगा, हमारे लिए आज्ञा क्या है, हमें कैसे चलना है, हमारा रास्ता कौन सा है, तो हम भाग्यशाली हैं, हमें हमारे सतगुरु भगवान और हमारे आचार्य हमेशा हमको बताते हैं जो रास्ता हमारे वेद ने हमको बताया वही रास्ता है, और जिस रास्ते पर हमारे आचार्य प्रवर गुरु चले उसी रास्ते पर हमको चलना है। दूसरा रास्ता कितना भी लुभावना लगे, कितना भी अच्छा लगे, कितना भी बढ़िया लगे, हमें कभी भी दूसरे के रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। आज मेरे हर सनातनी को सावधान रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार के पंथ कुकर मुत्ते की तरह रोज नए नए जन्म ले रहे हैं, और नई चीज को देखकर के व्यक्ति आकर्षित हो जाता है और एकदम से अपने रास्ते को छोड़ करके उसमें बुराइयां निकाल करके नए नए पंथों को, नए नए संप्रदायों को ज्वाइन करता है। याद रखना, धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करेगा जो स्वयं धर्म की रक्षा करेगा। इसीलिए हम कमजोर नहीं। परसों मेरे से कोई बात कर रहा था कि सनातनियों का क्या होगा, स्वामी जी हिंदू धर्म का क्या होगा, बाकी लोगों की इतनी सुनवाई होती है, हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती। जिस दिन हम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस दिन हम दिल से, दिमाग से, नोम रोम से,
श्वास श्वास से सच्चे हिंदू अपने आप में हो जाएंगे, उस दिन ये भय अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाएगा कि हमारे सनातन का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा। अगर ये भय है तो कहीं ना कहीं हम हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व से बहुत दूर हैं, बहुत परे हैं। और जिस दिन हम सच्चे हिंदू हो जाएंगे, सच्चे सनातनी हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, जिस दिन मेरा सनातनी अपनी गीता जी को आत्मसात कर लेगा, जिस दिन मेरा सनातनी यह प्रण लेगा कि मैं रहूं या ना रहूं। मुझे किसी ने कहा, स्वामी जी आता था आकर के आश्रम गिरा देंगे, लाइब्रेरियां ओ तक्षशिला वाला क्या होगा। मैंने कहा कुछ भी हो उसकी गारंटी मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे दिल की गहराई में लिखी हुई मेरी गीता को ना कोई फाड़ सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। मेरी नस नस में बसी हुई वेद की वाणी को ना कोई आंख दिखा सकता है, ना गिरा सकता है। हां कहीं से उठा करके वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता है, ना उस विषय में नहीं जाने वाला, लेकिन दिल की गहराई में जो मेरे वेद लिखे जा चुके हैं, दिल की गहराई में जो मेरे शास्त्र लिखे जा चुके हैं, दिल की गहराई में मेरे उपनिषद लिखे जा चुके हैं, दिल की गहराई में जो मेरी गीता लिखी जा चुकी है, दिल की गहराई में जो मेरा ब्रह्मसूत्र लिखा जा चुका है, दिल की गहराई में जो मेरी चित्सुखी लिख चुकी, इन ग्रंथों के नाम सुनना भी अपने आप में बड़े गौरव की बात है, मेरी चित्सुखी लिखी जा चुकी है, जिस दिल की गहराई में मेरी अद्वैत सिद्धि लिखी जा चुकी है, जिस दिल की गहराई में खंडन खंड खाद्य लिखा जा चुका है, उस दिल की गहराई में बसने वाली मेरी दिव्य लाइब्रेरी, आध्यात्मिक लाइब्रेरी को किसी में दम ही नहीं है कि कोई नष्ट कर सके। नहीं न मनुष्य जीवन इन सब से निराला है, अलग है। इसके पैरेलल में, इसके जैसा 84 लाख योनियों में कोई भी और शरीर नहीं है। मनुष्य जन्म की यह विशेषता है। स्टैंड अप, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हिंदी में मैं बोल दूंगा इसी बात को। अवेक, जागिए, स्टैंड अप, खड़े होइए। मेरे सनातनियों, क्या आप इस प्रण को लेना चाह रहे हैं इस सभा में? और यदि नहीं लेना चाह रहे तो फिर सनातनी कहने का मुझे हक ही नहीं है। अवेक, जागिए, पहले स्टैंड अप, खड़े होइए। तीसरा शब्द बोला, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स, पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधों पर, और इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने का जज्बा रखिए और पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाइए, और फिर देन यू वुड सी, और मेरे सनातनियों, देन यू वुड सी, तब आप देखोगे, आपके मुकद्दर, मेरा मुकद्दर बना दो, मेरी किस्मत बना दो, मेरा फलाना कर दो, ये गिरी गिरी बातें नहीं। यू वुड बी द मेकर ऑफ योर ऑन फेट, आप अपने मुकद्दर का, आप अपनी किस्मत का, आप अपने भाग्य का खुद निर्माता होंगे, और जब तक मेरा सनातनी अपने भाग्य का खुद निर्माता नहीं होगा और कोई भाग्य के सहारे रह जाएगा कि मेरी किस्मत होगी तो भगवान मिल जाएंगे, मेरी किस्मत होगी तो ब्रह्मचिंतन कर लूंगा, मेरी किस्मत होगी तो गुरुजी के पास चला जाऊंगा, मेरी किस्मत होगी तो मैं सुन लूंगा। नो, दीस आर द वर्ड्स विच लीड्स वन सेल्फ टूवर्ड द कवर्डनेस। ये शब्द ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी को कायरता की ओर ले जाते हैं, बुजदिल की ओर, बुजदिलता की ओर ले जाते हैं। ध्यान से सुनना,
साक्षात भगवान। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें कोई संशय नहीं महाराज। आप सब जानते हैं ये विद्वानों की सभा है, क्योंकि ये मेरे महाराज जी का बगीचा है और महाराज जी कितनी मेहनत करते हैं। हम रोज मोबाइल में लाइव देखते हैं कि कैसे सरल सरल ढंग से, हम फिर भी थोड़ा कठिन बोल जाते हैं, महाराज जी तो इतने सरल सरल ढंग से कि आम आदमी भी उस बात को बड़ी जल्दी समझ लेता है। बोलो अब मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए, याद करिए महाभारत का युद्ध है, बोलो है कि नहीं, द्वापर काल, कुरुक्षेत्र का मैदान है, और दिल पर हाथ रखिए अर्जुन का रथ कौन चला रहा है? आंसर आप देंगे, अर्जुन का सारथी कौन है? ध्यान से बोलिए 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 बोलिए, भगवान श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा, दोनों सेनाओं के बीच में रथ पहुंचता है, ध्यान से सुनिए, और उस समय का विश्व का सबसे महान योद्धा ये बात कहता है, गांडीवं संस्ते हस्ता तुक्चैव परिदय्यते नाच शुक्नोम्य वस्था तुम भ्रमतीव चो मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाच श्यो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे न कांक्षे विजयं कृष्ण नोच राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर जीवितेन वा। क्या गीता की धुरी देखिए, गीता का प्रारंभ देखिए, और गीता जी क्या है? गीता सुपनिषत्सु उपनिषद, ब्रह्म विद्यायाम ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र योग शास्त्र, तीन बातें हर अध्याय के लास्ट में वेदव्यास जी लिखेंगे। गीता जी क्या है? और मेरे आद्य जगत गुरु भाष्यकार भगवतपाद जब गीता जी का भाष्य करते हैं तो वो स्पष्ट लिखते हैं, भाष्य की भूमिका देखिए ध्यान से, वो स्पष्ट लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी साम वेदीय, और साम वेद के अंदर छांदोग्य उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद के अंदर छठा अध्याय, छठे अध्याय के अंदर सत विद्या, और सत विद्या के आचार्य उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को 9 बार जिस तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश देते हैं, और गीता जी तत्त्वमसी महावाक्य की व्याख्या है, ये मेरे आचार्य गीता जी की भूमिका में ही कह देते हैं। 6 अध्याय तत्पद की व्याख्या करते हैं, ऐसे आचार्य परवर व्याख्या कर रहे हैं, और 6 अध्याय 80 पद की व्याख्या कर रहे हैं, और लास्ट के 6 अध्याय त्वम पद की व्याख्या कर रहे हैं, और 80 पद यहां क्रिया है, और तत् और त्वम के भेद को मिटा करके अभेद दर्शा देना, ये मेरे भगवान का दर्शन है, ये कृष्ण दर्शन है। क्योंकि कृष्ण दर्शन क्या है, कृष्ण फिलॉसफी क्या है, ध्यान से सुनिए, कृष्ण कथा क्या है इसमें, और कृष्ण दर्शन क्या है इसमें बड़ा अंतर है। हमारी जीवनी क्या है, और हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी, हमारा सिद्धांत क्या है, इन दोनों बातों में बहुत समानता होने पर भी एक स्लाइड सा दर्शन फर्क देखने को मिलता है। कृष्ण दर्शन क्या है, कृष्ण फिलॉसफी क्या है, कृष्ण हमें क्या कहना चाहते हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता जी ही पूरा कृष्ण दर्शन है। और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्त्वमसी महावाक्य की, ठीक है, व्याख्या करने वाली मेरी श्रीमद् महा भगवत गीता है, और इसीलिए वेद व्यास जी को लास्ट में लिखना पड़ा श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषद सुजे, वेद व्यास जी का वाक्य है, ब्रह्म विद्यायाम वो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र वो योग शास्त्र है, मेरी गीता। और गीता जी ने ही कहा श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः, जो बात मैं पहले कह रहा था, श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः पर धर्मो स्वनुष्ठितात् निधनं स्वधर्मे श्रेयः पर धर्मो भयावायः। अपना धर्म ध्यान से सुनना, यदि उसमें कमियां भी लगे तो मेरे कृष्ण भगवान का दर्शन, उनका संदेश यही कहता है कि हमारे अपने धर्म में कुछ कमियां भी लगे,
कमजोरियां भी लगे तो हमें तब भी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए और दूसरे के धर्म में जाकर के अन्य संप्रदायों को अपना करके यदि हमें सोने की चांदी की थाली में भी मिल जाए, ध्यान से सुनना, तो मेरे भाइयों सनातनियों एक कविता की पंक्तियां जरूर याद कर लेना, किसी की पर धर्म वाले की सोने की थाली देख करके अगर ये पापी मन किसी समय ललचा जाए तो ये पंक्ति याद करना, उस पक्षी की व्यथा क्या है, नीर ना दो चाहे टहनी का आश्र छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में बिगन ना डालो, कहीं भली है। देखिए पक्षी क्या कह रहा है, मुझे मेरी स्वच्छंदता में, मुझे मेरी स्वतंत्रता में, मुझे मेरी आजादी में, मुझे मेरे धर्म में, मेरे धर्म में, मेरे स्वभाव में मेरे पंख हैं और आकाश की ऊंचाइयों को चूमना ये मेरा धर्म है, चाहे मुझे कड़वे फल मिले, चाहे मुझे कुछ भी खाने को ना मिले, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी, आप मुझे सोने के पिंजरे में रखिए लेकिन मेरी उड़ान में आप बिघन डाल रहे हैं, आप मुझे बढ़िया बढ़िया माल पूरे दीजिए लेकिन मेरे धर्म से आप मुझे च्युत कर रहे हैं, मैं पक्षी हूं उड़ना मेरा धर्म है और आप मुझे कुछ भी जो मर्जी अच्छे अच्छे बादाम काजू कुछ भी खाने को दो मुझे अच्छे नहीं लगते, अगर जंगल में एक बार इस पिंजरे को खोल करके मेरे धर्म के अनुसार मेरे स्वभाव के अनुसार मेरी स्वतंत्रता के अनुसार आप मुझे उड़ने दें तो मेरे लिए कड़वे कड़वे फल खाना उन मेवों से ज्यादा अच्छा होगा और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं अपने धर्म का अनुशासन कर रहा हूं, ये पक्षी कहता है। और ये पंक्तियां हमने बचपन में पढ़ी थी, ऐसे ही हमारा मन दूसरों की रिद्धियां सिद्धियों पर और चमत्कारों पर रिझने लगे, लालची होने लगे, उसको सोने की चांदियां अच्छी लगने लगे और चमत्कार अच्छे लगे तो पक्षी काम से काम मनुष्य पक्षी से श्रेष्ठ बुद्धि वाला है और हमें पक्षी जैसा आचरण तो कम से कम उस समय करना चाहिए कि ये सोने की कटोरियां ये चकाचौंध हमारे सामने से हटा लो, पर धर्म वालो कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, और इसको मैं उपनिषद की भाषा में वेद की भाषा में ट्रांसलेट कर दूं और कहूं है ऋणमेन पात्रेन, महाराज जी सही है कि गलत है, आप मेरा मेरे साथ देना थोड़ा, क्योंकि इधर तो मैं केवल वंदना कर सकता हूं और कुछ बोल नहीं सकता, 15 मिनट और शेष हैं, महाराज जी की दयालुता है कि मुझे 45 मिनट दिए और मुझे अपार खुशी हो रही है। ऋणमेन पात्रेन सत्य सा उपहित मुखम तत्वं पूखन पाभृणु सत्य धर्माय दृष्टाय, उपनिषद में एक साधक एक विचारक यही भगवान से प्रार्थना कर रहा है और नचिकेता को समझाते हुए कठोपनिषद में जमराज भी यही कह रहे हैं, प्रांचिखानी व्यतनित स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नातु अंतरात्मानं कश्चित् धीरः आवृत चक्षुः प्रत्येक आत्मानं इच्छन्, कोई धीर होगा जो लालच की ओर नहीं जाएगा, जो इंद्रियों को प्राण चिखानी नहीं होने देगा, जो मन को मोड़ने में कामयाब हो जाएगा, जिसको पर घर में दूसरे के घर में सोने चांदी के बर्तनों से अपने घर में रखे हुए मिट्टी के बर्तन अच्छे लगने लगेंगे वो मेरा पक्का सनातनी होगा, वही पक्का हिंदू होगा, वही धर्म का वाहक होगा, वही धर्म पर चलने वाला होगा, मेरा घर मेरा है चाहे मुझे 4 दिन भूखा भी रहना पड़े, इसलिए मेरी श्रुति माता भगवती ने मुझे आदेश दिया, क्या आदेश दिया, ये दिया वेदाहमेतम। लोग कहते हैं ये ज्ञान बड़ा मुश्किल है, लेकिन मां ने कहा, अर्जुन कहता है युद्ध लड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तुझे ही उठाना पड़ेगा गांडीव, जे नहीं हो सकता मेरे से, मेरी त्वचा जल रही है,
भगवान ने कहा मैं तेरा मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं तेरा रथ सही दिशा में कब और कहां ले जाना है ये मैं तेरी हेल्प कर सकता हूं, लेकिन हे अर्जुन अपना गांडीव तो तुझे, जो पहली पंक्ति अवेक स्टैंड अप टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर, यही पॉइंट चल रहा, खड़े हो जाओ, ए इस नीचे गिराए हुए धनुष को उठाओ और अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लीजिए। और अर्जुन के मन में अगर ये आता है कि भगवान जब आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत है, कुछ लोग यहां पर गफलत कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं, आलस्य में चले जाते हैं, हाँ तो क्या होगा, नहीं लेगा। तो भगवान कहते हैं मेरे सारथी होने पर भी, मेरा रथ चलाने पर भी अर्जुन निंदन तस्तव, इस वाक्य को बड़े ध्यान से गीता जी के दूसरे अध्याय में पढ़िएगा, भगवान ने बोला है अगर खड़ा नहीं होगा, अगर गांडीव नहीं उठाएगा, अगर अपनी जिम्मेवारी को अपने कंधों पर नहीं लेगा, अगर अपने कर्तव्य को निभाने का साहस नहीं करेगा, तो चाहे मैं भगवान त्रिलोकी नाथ भी तेरे रथ को चला रहा हूं, लेकिन अर्जुन निंदन तस्तव सामर्थ्य ततो दुख तरंग नुकिम, मैं तुझे तेरे सामर्थ्य को निंदा से, लोक निंदा से नहीं बचा सकता। और शास्त्र कहता है जिसकी जीते जी निंदा होने लगती है उसका जीवन मृत्यु से भी बदतर है। कीर्ति यस्य सह जीवति, जिसकी संसार में कीर्ति है, जिसका मान है, जिसका सम्मान है, जिसका यश है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पॉइंट विद इन 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई डिस्कोर्सिस, मैं उपसंहार करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन ने कहा कि भगवान जहां मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने को ही आया था, जैसे हम और आप गुरुओं के सामने कहेंगे, जहां मैं अपने कर्तव्य का पालन करने ही आया था, आपने तो पहले ही कह दिया था कि मैं ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, मैं रोने नहीं आया था, मैं अपने धर्म का अनुशासन करने आया था। उस क्वेश्चन को उठा दें जो अर्जुन के मन में है, बोलो उठा दें विद इन 10 मिनट्स। देखिए अब अर्जुन कह रहा है और आप भी देखना, प्रमाद कोई नहीं करना चाहता, पाप कोई नहीं करना चाहता, अपने धर्म को कोई नहीं छोड़ना चाहता, दिल से कोई नहीं चाहता, लेकिन झूठ कोई नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी रोकते रोकते जवान को झूठ बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते, बोलो प्रमाद कर जाते हैं कि नहीं कर जाते। अर्जुन ने कहा कि मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूं, हे भगवान आप मेरे साथी हैं, ये गांडीव क्यों सरक रहा है, मैं इसको सरकाना नहीं चाहता, मैं अपने धर्म को निभाना चाहता हूं, मेरी त्वचा इस समय जलने लग जाए, मैं कमजोर पड़ जाऊं, ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता मेरे भगवान, लेकिन मेरे ना चाहने पर भी ये पापात्मक आचरण, मेरे सामर्थ्य के विरुद्ध आचरण ये क्यों हो रहा है। अथ केन प्रयुक्तोयं, आवाज आइए पॉइंट पर, अथ केन प्रयुक्तोयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्षणेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने प्रश्न किया कौन ऐसा दुष्ट है जो मेरे धर्म में, मेरे कर्तव्य में मुझे दोष दिखा रहा है और मुझे अपने कर्तव्य और धर्म के अनुशासन का पालन करने के लिए दोष दर्शन अपने ही धर्म में दिखाता हुआ। क्या दोष दर्शन है कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये दोष दर्शन हो रहा है उसको, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों को पिंडदान नहीं लगेगा, कितना दोष दर्शन, ये क्यों, किससे प्रयोजित होकर के, आप ध्यान से सुनिएगा, किससे प्रेरित होकर के जय मनुष्य ऐसे पाप का आचरण कर जाता है। मैंने किसी से सुना है एक रजौरी का युवक पहले कट्टर सनातनी था, आजकल वो खुद ही दूसरे धर्मों की प्रशंसा करता है और अपनी गायत्री मंत्र की और अन्य मंत्रों की खुद ही आलोचना करता है, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। ये इस आंसर ऐसा क्यों, मैं नहीं मानता कि वो दिल से ऐसा चाहता होगा, मेरा भाई वो दिल से ऐसा नहीं चाहता,
क्योंकि उसमें सनातनी डीएनए घूम रहा है, उसमें सनातनी का ब्लड है। लेकिन फिर भी अर्जुन का प्रश्न वाजिब है कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता तो मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? अथ केन प्रयुक्तोयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्षणेय वलादिव नियोजितः। किससे प्रेरित होकर के जे मनुष्य पापम चरति, पाप का आचरण करता है और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती वो पाप की ओर चला जाता है, वो धर्म के विरोध में खड़ा हो जाता है, धर्म की निंदा करने लगता है। और जितनी सनातनी हिंदू लोग अपने धर्म की खुद निंदा करते हैं, इतनी कोई नहीं करता। अपने गुरुओं के भी निंदा करने में, संतों के भी निंदा करने में पीछे नहीं होते हैं, बाकी कोई नहीं करता। चाहे कितने भी दोष हो तब भी वो कहते हैं वो सब ठीक है, सब बढ़िया है। किस लिए? ध्यान से सुनना। अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर जा रहा हूं, सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स हैं, क्योंकि मैं 1 मिनट भी समय का उल्लंघन नहीं करता हूं। बिल्कुल समय के अनुसार टॉपिक को विस्तार देते हैं। एक होती है व्यास पद्धति, 3 घंटे बोलना हो तो हम समझ जाते हैं टॉपिक को कैसे ले जाना है, और अगर 45 मिनट बोलना हम समझ जाते हैं, और अगर 3 मिनट में 2 मिनट में बोलना हो तो भी हम समझ जाते हैं कि उसको समासित समास पद्धति में कैसे लाना है, जितना समय हो। क्योंकि महाराज जी एक मेरे से पहले बोल रहे थे, जो व्यक्ति स्वयं समय की कदर नहीं करता, समय उसको रौंद के बहुत चला जाता है। और समय किसी का लिहाज? वक्त से है दिन और रात, वक्त से है आज और काल। बोलो, वक्त की हर शय गुलाम, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, ना जाने किस घड़ी भक्त का बदले मिजाज। अब उत्तर आ रहा है, प्रश्न समझ लिया? कैसे व्यक्ति कमजोर पड़ता है, उसकी कमजोरी को प्रेरित कौन करता है, उसकी कमजोरी को हवा कौन देता है, उसको कमजोर कौन करता है, ना चाहता हुआ भी अपने धर्म के विरुद्ध में कैसे चला जाता है, कर्तव्य के विरुद्ध में कैसे कमजोर कैसे पड़ जाता है। अरे 33 करोड़ देवता जिस सनातनी की रक्षा करते हो, भगवान शिव स्वयं हमारे वाहक हैं, ज्ञान के सागर हैं, जिन सनातनियों के लिए बार बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर के अनुसार भगवान अवतार धारण करते हो, जिनके लिए 1 लाख वेद की ऋचाएं शक्ति की तरह 24 घंटे खड़ी हैं, 18 पुराण खड़े हैं, 6 शास्त्र खड़े हैं, और क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे सदगुरु देव जिस समाज में बैठे हुए हैं, वो कमजोर कैसे पड़ जाता है, क्यों पड़ जाता है, किस लिए पड़ता है? काम एश क्रोध एश, अब सुनिए, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। ए अर्जुन, जब हम अपने, चाहे मैं शिष्य के रूप में हूं, चाहे आप गुरु गृहस्थ में शिष्य के रूप में हो, चाहे कोई भगवान के आगे भक्त का है, जब भगवान से दृष्टि हट करके, ध्यान से सुनना, काम एश बता रहा है कि भगवान से दृष्टि हट गई, काम एश बता रहा है धर्म से दृष्टि हट गई, काम एश ये शब्द बता रहे हैं, 2 पद बता रहे हैं कि हमारी गुरुदेव के चरणों से दृष्टि हट गई, और किसी हृण्य मेन पात्रेन सोने की तरह चमकती हुई किसी प्रॉपर्टी पर, किसी गद्दी पर, और किसी लालच में हमारी वृत्ति चली गई, और हमें डर लगने लगा कि क्या पता हमें वो मिलेगी गद्दी की नहीं मिलेगी, और ऐसा सोच सोच करके रजोगुण बढ़ता चला गया, और इस हद तक बढ़ता चला गया कि हमारा क्रोध हमें अंधा कर गया। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः और स्मृति व्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा नाशात्। 25 साल महात्मा सेवा किया, अभी हरिद्वार में कितना बड़ा कांड हो गया, वो किसने किया? गुरु चरणों से ध्यान हटा, प्रॉपर्टी पर ध्यान चला गया, साधना से ध्यान हटा, तपस्या से ध्यान हटा। इसलिए मेरे बंधुओं, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे हम सन्यासी शिष्य हैं, गुरु चरणों में एक ही अरदास करें कि आपके वाक्य और आपके चरणों को छोड़ करके हमारा ध्यान
किसी और वस्तु में कभी ना जाए, ताकि आपकी हम दिल की गहराई से अपना धर्म का पालन करते हुए करते रहे। और फिर उससे क्या होता है, धूमेन आवरियते बहनीर, यथा 3 मिनट रह गए, धूमेन आवरियते बहनीर यथा दर्शो मलेन चह यथो उल्वेन आवृतम गर्भस्थ तथा तेन इदम आवृतम। जो सेवा भाव है, जो धर्म है, जो हमारी तपस्या है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, किसी और चीज की कामना जो अनित्य पदार्थ है, ऐसे ही वो हमारी बुद्धि पर, धर्म अनुशासन पर पर्दा डाल लेती है। जैसे जेल से बालक डकार ढक जाता है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही दूसरी चीज पर जो अनित्य है, अशाश्वत है, जो नहीं रहने वाली है, उस पर वही हिरण्यमयन पात्र से श्रुति ने कहा, उस पर दृष्टि जाते ही ये पापम चरति पुरुषः, ये धर्मात्मा होने पर भी पाप के आचरण में लिप्त धीरे धीरे होने लगता है। इसलिए बोला आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन चह। आवृतम ज्ञानम एतेन, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान कव्योप्य अत्र मोहितः, इसी कामना से वो मोहित हो जाते हैं, किमा कर्म किमा अकर्म, कव्योप्य अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्षामः यद् ज्ञात्वा मोक्षेषु अशुभात्। इसीलिए मैं तुम्हें कर्म के सिद्धांत का, कर्तव्य का, धर्म का, अनुशासन का ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा अर्जुन, जिससे तू कभी भी पाप में फिर लिप्त नहीं होगा। ऐसे ही जैसे, फिर से सुनिए, बस 1 मिनट रह गया, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाता है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, जैसे बालक गर्भ का चेर से ढक जाता है, ऐसे ही अनित्य पदार्थ पर दृष्टि जाते ही बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि आवृत हो जाती है, और वो ना चाहते हुए भी धर्म अधर्म के आचरण पर, पाप के आचरण को करते हैं। इसका एक ही उपाय है, इसीलिए हमारे अखाड़ा परंपरा में मंडलेश्वर को बनाया गया, क्योंकि मंडली ईशा स मंडलेश्वर प्रस्थान त्रय का विद्वान एक विषय से आचार्य, वही मंडलेश्वर पद पर शोभा देता है, ताकि हमारे संत समाज स्वाध्याय में लगे रहे, और खाली दिमाग शांत का, शैतान का घर होता है, उनमें फितूर ना आए। और उस परंपरा को बड़े गुरु महाराज ने अपनी अंतिम श्वास तक, खुद महाराज जी के मुख से मैंने सुना कि बड़े महाराज जी मंडली को खुद व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ाते थे, और उसी परंपरा को महाराज जी ने कितने गुरुकुल खोले। आज मैं पूछ रहा था, कोई मुझे बता रहा था, वो आचार्य जी बता रहे थे कि पिछले साल कोरोना के कारण थोड़े कम थे, इस बार विद्यार्थियों की भरमार है। ऐसे संतों को बार बार नमन करते हुए हम महाराज जी की उस पंक्ति को याद रखें, हे मानव तुम उस परम तत्व को जानो जो हजारों हजारों सूर्यों से भी देदीप्यमान है, आदित्य वर्णम, अंधकार जिसको छू भी नहीं सकता, जिसको जान करके ही मृत्यु का उल्लंघन हो सकता है, ना अन्य पंथा विद्यते। यहीं पर हम उपसंहार कर रहे हैं, यहां से शुरू किया, इसलिए स्टैंड अप, बी बोल्ड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। ओम शांति 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 ही शांति। बहुत ही सुंदर, अतुलनीय, अप्रमित वक्तव्य के द्वारा, भाषण के द्वारा महाराज जी ने हमें कृतार्थ किया, अपनी वाक पुष्पांजलि के द्वारा हम सबको निहाल किया। इसके लिए हम मंच की ओर से बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। और भक्तजनों, अब वो समय आ गया है, जैसे पृथ्वी पे कितनी भी वृष्टि हो, लेकिन जो चातक है उसकी प्यास किससे मिटती है, स्वाति की बूंद से। तो जिस प्रकार से हमने ज्ञान आज अर्जित किया, फिर भी हमारी प्यास जिस तरह से चातक की प्यास स्वाति की बूंद से मिटती है, उसी प्रकार से हम सब जैसे सूर्य चंद्र आदि जो ग्रह हैं, वो सभी किससे प्रकाशित होते हैं, सूर्य के द्वारा। चंद्र आदि जो तारामंडल है वो सब किससे प्रकाशित होकर प्रकाश देता है, सूर्य के द्वारा।
वैसे ही हम सब की प्यास और हम सबको ज्ञान रूपी जो स्वाति की बूंद, स्वाति स्वरूप जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब सभागार में पधारे हैं, वही समय आ चुका है, वो इंतजार की घड़ियां पूरी होती हैं। और चाहे लाख ज्ञान हमने प्राप्त किया हो, किंतु जब तक गुरु मुख से हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी जो अज्ञान की जो दृष्टि है वो नहीं मिट पाएगी। तो मैं सभी ने प्रार्थना करता हूं राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर, अटल पीठाधीश्वर, दयालु कृपालु, पूरे जम्मू कश्मीर को कैलाश की तरह बनाने वाले हमारे सतगुरु जी को, सभी ने निवेदन करता हूं कि अपनी वाणी के द्वारा हमें निहाल करें। सतगुरु जी महाराज बोले, स्वामी जी महाराज की। ओम भद्रम करने विष्णुयाम देव भद्रम पश्ये माक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गम् स्वस्तनुभिर्वशेमहि देवहितं जदायो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादियेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः श्री कृष्णाय वयम नमः आनंद कंद भगवान की जय। थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
महाराज की जय। उपस्थित निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर वंदनीय 1008 श्री अक्षरानंद जी महाराज एवं उपस्थित मंचस्थ अन्य संतवृंद, धर्मानुरागी भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं, सात दिन श्रीमद् भागवत का आप लोग श्रवण किए, फिर उसका सारांश आज इस संत सम्मेलन के स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रकार से संतों के अपने अपने विचार मंथन के द्वारा निकाले हुए निष्कर्ष को श्रवण किए। श्री अक्षरानंद जी महाराज अच्छे प्रवक्ता हैं, आवाज भी इनकी थोड़ी चार आदमी की इकट्ठी जैसे होती है वैसी है, शरीर भी ठीक ठाक ही है। बोलने में भी ठीक ठाक ही है, कसर नहीं छोड़ते हैं पीछे। आप लोगों को बताया था कि जो श्री भागवत एक परायण हुआ, इसका सार क्या है, तो
अक्षरानंद जी महाराज ने बढ़िया अच्छे से आप लोगों को बता ही दिया, क्योंकि आज कभी कभी हम सच्चाई बोल देते हैं तो कईयों को परेशानी होने जाने लग जाती है। भाई हम बोले सच्चाई तो उसका मतलब नहीं कि हम किसी की निंदा करते हैं। सच्चाई बोलना कोई निंदा नहीं होती है। सच्चाई बोलना किसी के धर्म की कोई गलानी नहीं होती है। सच्चाई बोलना कोई बुरी बात भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तन मन धन लगा करके भी पचासों वर्ष व्यक्ति मेहनत करें और प्राप्ति जीरो हो जीरो तो क्या लाभ है। सच्चाई इसलिए कही जाती है कि सुन करके व्यक्ति पहचान जाए, समझ जाए, निर्णय सही ले ले। देखो अभी महाराज बता रहे थे आपको, धर्म के विषय में अपना धर्म भगवान ने भी गीता जी में कहा है, अपना धर्म गुणों में कम भी हो पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय देने वाला है, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाला है, कभी भी पूर्णता नहीं होने देने वाला है, कभी सफलता नहीं होने देने वाला है। मैं स्वयं बताता हूं, जब तक हम गुरुजी महाराज के पास नहीं पहुंचे सात आठ वर्ष हम घूमते रहे, उन सात आठ वर्षों में कईयों ने जबरदस्ती बिठा करके ही नाम दे दिए, जबरदस्ती। कल परसों एक भक्त बता रहे थे, एक महाराज के पास के उन्होंने कहा नाम लिया नहीं लिया, पकड़ लिया बैठ अभी ले, सुना दिया। ऐसे ही हमको भी कईयों ने रगड़ दिया। एक माता ले गई, कहने लगी फलाने पंथ के गुरु आए हैं आओ दर्शन कर लो। भाई हम तो उस समय स्कूल में पढ़ते थे, मालूम नहीं था, चले गए। उन्होंने बिठाया तो कहते ये नाम है, नाम दे दिया। अब भाई हमने तो नाम लिया नहीं पर दे तो दिया। और एक किसी के पास गए, उन्होंने भी जबरदस्ती नाम थोप दिया। महात्मा बनने के बाद एक वैष्णव महात्मा थे तो कहने लगे कंठी पहनो। मैंने कहा नहीं हम रुद्राक्ष पहनने वाले हैं। कहने लगे नहीं लो ना पहनो, प्रेमी बहुत थे हमारे वो। कहने लगे पांच दिन पहन लो। मैंने कहा मैं बता दूं पांच दिन के बाद मैं उतार दूंगा, मैं सन्यासी बनना है वैष्णव नहीं बनना है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने सोचा भाई पांच दिन पहन लेगा शायद मन बन जाए। पांच दिन पूरे हुए तो हमने उतार दिया। मैंने कहा आपको पांच दिन कहा था, झूठ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कबीरपंथी मिले,
वो कहने लगे बिहार में मठ है बहुत बड़ा, तुम शिष्य बन जाओ, मठ तुम्हारे नाम कर देंगे। मैंने कहा भाई मठ मठ बनाना तो मठ लेना ये तो बिना गुरु के भी बना लेगा कर लेगा व्यक्ति, ये तो मठ बनाना मठ लेना ये कोई आध्यात्मिक चीज नहीं है, ये तो कोई भी बना सकता है। बड़े पीछे पड़े। मैंने कहा भगवान का कुछ दिखाओ तो बन जाऊं का शिष्य, लेकिन मठ मठ से नहीं। क्यों? वैसे भी बिहार में मठ जो होता है बड़ा मुश्किल होता है संभालना। मुश्किल क्यों होती है हम बताएं? एक बार हम यात्रा करते करते बिहार से सीतापुर के सीतामढ़ी उधर से आगे निकले, ये बड़ा पुराना मठ था, वहाँ रुके रात, लोग इकट्ठे हो गए 400-500, पूजा पूजा देखे, पीछे पड़ गए, कहते आपको जाने नहीं देंगे, महंत बनाएंगे यहाँ। मैंने कहा मैं कहाँ महंत बनूंगा, कहते नहीं छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने कहा पहला महंत कहाँ गया, कहते उसका मर्डर हो गया। मैंने कहा उससे पहला महंत कहाँ कौन था, कहते उसका भी मर्डर हो गया। तो भाई उससे पहले कौन था, कहते उसका भी मर्डर हुआ, तीन मर्डर हो गए। तो मैंने कहा ये मठ अब चौथा मेरा मर्डर कराओगे? मैंने कहा नमस्कार भाई, इस मठ को तुम लोग करोड़ों रुपया दो तो भी कोई नहीं लेगा। क्यों? मरने के लिए लेगा? भगवान का भजन करने के लिए आए तो मरने के लिए क्यों लेंगे? कारण क्या है कि इस प्रकार से हम स्वयं कईयों का शिकार बने। कोई कह देता है मन को ही परमात्मा मानता है, बस संकल्प किया तो परमात्मा नहीं हुआ तो परमात्मा नहीं। कोई इस आकाश को मान लेता है परमात्मा की, ये खाली जगह सब जगह है तो यही परमात्मा है। अरे ये तो भाई खाली जगह तो है पर है तो शून्य है ना, चेतन थोड़ी है, जड़ है, तो परमात्मा जड़ कैसे होगा? अगर परमात्मा जड़ होगा तो कैसे सृष्टि को चलाएगा? कोई कहता है बुद्धि को मानता है परमात्मा कि जितनी देर बुद्धि परमात्मा में लगी इतनी देर परमात्मा है, बुद्धि परमात्मा से हटी तो परमात्मा भी गया। तो वही बुद्धि भी अस्थिर है, अनिश्चयात्मक है, तो वो भी कैसे परमात्मा हो सकती है? कभी भी नहीं। इसी प्रकार से कईयों के श्रवण करने से दुविधा हो जाती है। उस दुविधा का निवारण कहते हैं, कोई किसी चित्रकार के पास गया सीखने के लिए कुछ विद्या। उसने कहा भाई पहले तुम क्या सीखे हो वो बताओ। उसने इतनी लिस्ट बता दी, ये सीखा ये सीखा।
उसने कहा फिर तो बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? आपका तो नाम पूरे विश्व में है, फिर मुश्किल कैसे है? उसने कहा मुश्किल ये है कि जो तुमने सीखा है उसे बुलाना पड़ेगा, उसको बुलाना बड़ा मुश्किल है। नया सिखाना तो बड़ा आसान है, बुलाना बड़ा मुश्किल है। ये अविद्या जीव के अंदर अनादि काल से चली आ रही है। इस अविद्या का निवारण करना इसीलिए बहुत कठिन। विद्या का उपदेश देना सरल है, अविद्या की निवृत्ति करना बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत कितनी? बड़े बड़े हिम्मत वाले सोचते होंगे आप लोग, मुझे कोई एक व्यक्ति खड़ा होके बता दे, मैं कहता हूँ एक अक्षर भुला के दिखाओ। ABC पढ़े हो ना, खाली ए भुला के दिखा दो अपने अंदर से। का खा गा पढ़े हो, खाली का खा को भुला के दिखा दो। 12 साल लगा दो, 20 साल लगा दो, 20 साल, 50 साल लगा दो, 50 साल में भी एक अक्षर कोई भुला के दिखा दो, एक अक्षर, मैं मान जाऊंगा कि भाई तुम मेरे से भी पूजनीय है, बड़ा है। बुला सकते हो कोई? तो अनादि काल की अविद्या पड़ी है, उसे बुलाने के लिए फिर कौन समर्थ हो सकता है? लेकिन कहते हैं कोई भी समर्थ, मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं है ऐसा कि एक अक्षर बुला के 50 साल में दिखा दे, नहीं दिखा सकता है। जब तक अनादि काल की अविद्या नष्ट नहीं होगी, विद्या प्रकट कहां से होगी? लेकिन कहते हैं गुरु इसमें समर्थ हैं, गुरु इसमें समर्थ हैं। गुरु ऐसा खेल खिलाते हैं अनादि काल की अविद्या को निवृत्त कर देते हैं, विद्या को प्रकट कर देते हैं। एक गुरु के अंदर यह शक्ति है। सोचोगे ये कैसे बात हो सकती है? सोचोगे मनुष्य बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े फिलासफर एक अक्षर 50 साल में नहीं बुला सकते, तो गुरु के पास ऐसी क्या आ गई जड़ी बूटी कि वो अनादि काल की अविद्या इकट्ठी हुई निवृत्त कर देते? है ऐसी जड़ी बूटी होती है। सुनना चाहते हो तो बोल दें कि यहीं रहने दें, हाँ बोल दें। गुरु क्या करते हैं? सत्य के द्वारा असत्य का बाद करते हैं, सत्य के द्वारा असत्य का बाद करते हैं। नहीं समझोगे? मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति बाजार में
छोटी सी रेडी लगाता है, उसको रेडी से पैसे मिलते हैं, उसी से बड़ा मोह है। एक व्यक्ति आके उसको 1 करोड़ रुपया देता है, छोड़ पगला रेडी, इधर आ बढ़िया शोरूम खोल 1 करोड़। तो बताओ 1 करोड़ देने के बाद में कभी वो 2-4 हजार रुपए की रेडी लगाएगा? कभी 1 करोड़ की दुकान करेगा ना? छोड़ देगा उसे, भूल जाएगा उसे। भूल जाएगा 1 करोड़ की शोरूम फौरन दौड़ कर खोलेगा। मैं बताऊं, एक स्वामी जी के साथ एक भक्त के गए, भक्त ले गया घर में, तो हमने नियम बनाया था 12 वर्ष हम ना तो किसी तख्त पर चारपाई पर बैठेंगे सोएंगे, ना कुर्सी पर बैठेंगे, हम नीचे बैठ के सभी सोफों पे। वो कहने लगा, नहीं नहीं महाराज उठो आप भी बैठो। मैंने कहा, भाई ये सोफे हमारे लिए नहीं हैं, ये सोफे तुम लाला जी हो तुम्हारे लिए हैं, मैं तो नीचे ठीक हूँ। हमने नहीं कहा कि मैंने नियम लिया है, हमने कहा तुम सेठ आदमी, सोफे पर तुम बैठो सेठ, हमने क्या बैठना, हम तो साधु भिक्षार्थी, हम नीचे बैठेंगे। वो लाला जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज ये सोफे हमारे बैठने के लिए नहीं हैं, ये आप संतों के बैठने के लिए ही हैं। मैंने कहा, संतों ने क्या करना सोफे पे, ये जमीन पे आसन लगाना बढ़िया लगता है। अभी कईयों के जाते हैं इधर बम्बे शम्बे घरों में, 1 रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। वो ऐसे रखे हैं गद्दे, टांगे ऊपर हो जाती हैं, पीठ पीछे से गिरने वाली हो जाती है, 1 रात निकालनी मुश्किल हो जाती है। हाँ वो क्या कहते हैं, डल्लभ पल्लभ बैठो, पीछे से इधर टांगे ऊपर, तो ऐसे लगता है अभी गए अभी गए, 20 बार कमर सीधी करनी पड़ती है। मैंने कहा, भाई ये तो तुम्हारे लिए। कहता है, महाराज आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ सुनो, ये आप देख रहे हो सोफे सोफे फैक्ट्री मेरी घर ऐसा, ये मेरा नहीं है, तुम्हारा तो है भाई, तुम लेके आए हो संतों को। कहता है, मेरा नहीं। सबके सामने बताने लगा, मैं फुटपाथ पे 47 से पहले मंदिर के बाहर खाली जो है छोले बना करके, नहीं पहले जो है मैं लोहार के पास जाता था, लोहा कूटता था लोहार के पास, लोहार के पास लोहा कूटता था। एक दिन जा रहा था और कभी कभी 1 पैसा मिलता था, कभी 2 पैसे, कभी 1 पैसा भी नहीं मिलता, कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसे, कभी 1 पैसा भी नहीं, खाली शाम को वापस। कहते हैं, एक दिन मैं जा रहा था, एक संत बैठे थे, थोड़ी आवाज कम करो भाई, ये खाने की चीज नहीं है, सुनने सुनाने की है, अच्छा सुनाई देना चाहिए। कहता है कि एक संत आए, संत बैठे थे पेड़ के नीचे खड़े, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इधर आओ भाई, ये जगह थोड़ी साफ करके दो, झाड़ी वाड़ी थी तो मैं धूप चढ़ गई, यहीं दिन भर बैठूंगा। तो मैंने कहा, इस संत से मुझे क्या लेना है? मैंने तो कहता है, मैंने उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने काम लोहार के पास, मेरे को टाइम नहीं। तो उन्होंने कहा, मूर्ख लोहार तुझे क्या देगा भाई, संतों की सेवा नहीं करता है, लोहार क्या देगा?
फिर भी है मैं चला गया। संत वहीं झाड़ी एक तरफ पेड़ के नीचे लेट गए। शाम को आया मैं 3 बजे और उस दिन एक पैसे का काम भी नहीं मिला खाली वापस। जब खाली आया तो फिर संत देखे, फिर बैठ गया। उन्होंने भिक्षा की रोटी लाई थी, थोड़ी मुझे भी दे दी। फिर मैंने कहा कि आज कुछ मिला नहीं, चलो भाई झाड़ी काट देता हूँ। काट दी। उन्होंने कहा मूर्ख देख, लोहा कूट के तेरे क्या मिलेगा, संतों की सेवा किया कर, तेरे को वो मिलेगा जो तूने कभी देखा नहीं होगा। कहता मैंने फिर भी नहीं विश्वास किया। दूसरे दिन फिर मैं आया, फिर वही संत वहीं। उन्होंने कहा ये 4 आने ले ले, 4 आने जा करके छोले बना के मंदिर के बाहर। उस समय 4 आने खाली। 6 महीने मैंने छोले बेचे, फिर काले चने। 6 महीने के बाद उन्होंने मेरे को कोई 25-30 रुपए दिए कि तुम ऐसा कर, कपड़े ले आ और बेचता रहे। 25-30 रुपए कपड़े लेके गांव में जाके बेचा कर और यहाँ आकर के रोज सेवा किया कर। 30 रुपए लेके गांव में कपड़े बेचता रहा महाराज में 6 महीने और रोज जा करके वहाँ एक कुटिया बना ली छोटी सी। जब तक वो संत रहे उनको रोटी खिलाता, जब वो चले गए आता जाता कोई संत रहता उसे खिलाता। 6 महीने के बाद महाराज वही उठाकर कपड़े में बेच बेच कर अपनी दुकान कर ली। आज मेरी कपड़े की 2 मिले हैं। तो ये सोफे जो है, ये सोफे क्या है, इसीलिए महाराज ये हमारे बैठने के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। तो भाई संत गुरु देता है, कैसे देता है, वो अविद्या को कैसे नाश करता है। लोग एक अक्षर नहीं नाश कर सकते, गुरु अनादि काल की अविद्या को नाश कर देता है। देखो अविद्या का भी कहते हैं स्वरूप से नाश नहीं होता है। आप कहो कि देखो अविद्या का कोई कार्य है, किसी ने क्रोध को जीत लिया, किसी ने क्रोध को जीत लिया और कहो कि क्रोध दुनिया में खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। जिसने जीता उसके लिए तो क्रोध खत्म हुआ, लेकिन स्वरूप से क्रोध कहो तो क्रोध तो दुनिया में रहेगा ही, वो खत्म नहीं होगा ऐसे। हाँ जिसने जीता उसके लिए खत्म हुआ। गुरु ऐसा करते हैं, गुरु शास्त्रों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, अनेक अनुभवों के द्वारा, अनेक अनुभवों के द्वारा प्रमाणित सत विद्या से असत अविद्या का बाद करना सिखाते हैं। बाद करने के बाद कौन मूर्ख है कि फिर बाधित अविद्या को गले लगाएगा। जब पता लग गया एक व्यक्ति झूठा है, उसे कौन सच्चा कहेगा। सच्चा तब तक कहता है जब तक उसे पता नहीं है। जब मालूम पड़ गया, अनुभव हो गया, प्रमाणित हो गया, 20 बार व्यवहार में झूठा पकड़ा, फिर उसे सच्चा कौन कहेगा। इसी प्रकार से जिस अविद्या का विद्या के द्वारा बाध किया, फिर कौन मूर्ख व्यक्ति है उस
अविद्या को फिर कहेगा कि मैं इसे जीवन में रखूं। इसीलिए इसी उपदेश के लिए सारे शास्त्र हैं। किसके लिए हैं? अविद्या का बाध करने के लिए, विद्या को प्रकट करने के लिए। हमें ये चीज शास्त्रों से समझनी चाहिए। अभी अक्षरानंद जी बता रहे थे, कई लोग जो है सनातनी छोड़ करके और उधर जाके इधर की बुराई। अरे बात ये होती है, पहचान ही नहीं की, समझ ही नहीं पाए कि गुरु के पास क्या लेने के लिए जाना था, गुरु के पास क्या लेने के लिए जाना था, समझ ही नहीं पाए। एक किसी को हमने पूछा, भाई ये ट्रक पे ये क्यों लिखा हुआ है? कहता जी इन गुरुओं के चेलों के ट्रक बड़े होते हैं, और ट्रकों पे लिखा हुआ देख करके वो उन गुरुओं के पास चला गया। मालूम ही नहीं है कि गुरु के पास क्या। सुनाते रहते हैं ना, एक बार एक संत चातुर्मास करने चले थे, एक शिष्य ने रोक लिया, महाराज मेरे यहीं कर लो। चलो, चार महीने उसने संगत की सेवा की, रोज सत्संग होता, पानी पिलाता, दरियां बिछाता। चार महीने बाद गुरु ने कहा, जाते समय बोल भाई भक्त क्या चाहता है, बड़ी सेवा की, तुझे वर देके जाता हूं। कहता गुरु महाराज बाकी सब आपकी कृपा है, ये भैंस मेरी 2 किलो दूध देती है, ये 5 किलो देने लग जाए यही वर मुझे दे दो। गुरु ने कहा पगला, मैं वर देना चाह रहा था कि तुझे जन्म जन्म काम आए। उसने ये भी नहीं सोचा भैंस की आयु कितनी है, भैंस दूध कितना समय देगी, भैंस दूध कितना समय देगी, आयु कितनी है। अरे कोई वर मांग। गुरु कहते हैं मैं तो तुझे देना चाह रहा था जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, जन्म जन्म सुख पाए, तुमने क्या मांगा। इसी प्रकार से बहुत लोग पंथों के घेरे में आकर के भटक जाते हैं, बहुत लोग भटक जाते हैं। एक जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, एक सीनियर ऑफिसर मेरे पास आया, लड़कों से कहता है स्वामी जी से 5 मिनट टाइम लेके दो। मैंने कहा बोलो भाई। कहता जी मैं फलाने पंथ से नाम लिया है और मैं 27 साल से रात को 2 बजे उठता हूँ, नहा के सिमरन में बैठता हूँ, फिर अपने ऑफिस में जाता हूँ, परंतु 27 साल हो गए मुझे एक भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। मैंने कहा भाई मैं अब इधर कथा होती है, लोग आते जाते हैं, अलग क्या सुनाऊं तुम कथा। कहते ये भागवत क्या होता है, ये तो लोग गांव में चावल इकट्ठे करने के लिए वैसे सुनाते। मैंने कहा भाई देख, जो तुम पूछता है तो मैं इतने 3 घंटे तुझे सुना पाऊंगा, टाइम है मुझे, वहां पर यही बातें। कहते ये बातें सुनाओगे? मैंने कहा आ जा। एक दिन आया, दूसरे दिन मैंने देखा सबसे पहले आके बैठ गया, तीसरे दिन, चौथे दिन हमसे फिर मिला। कहता है महाराज 27 साल जो मैंने नहीं पाया, 3 दिन के अंदर मैंने पा लिया। ठीक है भाई, भागवत वर्णन करने वाले कोई बेचारा कितना पढ़ा है, कैसा है,
अपनी अपनी मति के अनुसार करता है, हर एक नहीं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत में तो राजा परीक्षित की मुक्ति तक हो गई, और इसे कौन कहेगा कि ये अधूरा ग्रंथ है, अधूरा मार्ग है, अधूरा रास्ता है। एक बड़ा अच्छा ऑफिसर था, वो सीनियर ऑफिसर था, 27 साल में जो कहता है नहीं अनुभव हुआ, 3 दिन में हुआ। कारण क्या है? देखो, ये संत सम्मेलन का अभिप्राय ही ये था कि भाई पीछे कोई कह रहे थे सुंदरवनी में कराया, तो इसका मतलब क्या है? अभी हुआ नहीं था, पहले पूछ रहे। मैंने कहा होने दो, फिर मतलब बताऊंगा। मैंने कहा होने दो, फिर मतलब बताऊंगा। अब जो पूछ रहा था, होने के बाद कहता है मैंने पहले दिन सोचा थोड़ी देर चलता हूं, थोड़ी देर में गया, फिर ऐसी ऐसी बातें मंडलेश्वरों ने कही, मैंने सारी लिखी। दूसरे दिन फिर सारी लिखी, तीसरे दिन सारी लिखी। तो स्वामी जी, इस चीज की बड़ी जरूरत है, इसको दोबारा कराओ, जगह जगह कराओ कि लोगों को जगाओ। मैंने कहा मालूम पड़ा किस लिए? क्योंकि देखो, बाकी सब जितनी संसारिक जागरूकता है, ये सारी एक ना एक दिन काल के गले में जाने वाली है। मैं यहां मंच से कहता हूं, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ, कोई भी धर्म, हम ललकार करके कहते हैं आओ सनातन शास्त्रों से बाहर किसी के धर्म का कोई साधना, कोई ज्ञान, कोई उपदेश जो हमारे वेद उपनिषद पुराणों से अलग हो। मंच से कहता हूं, कोई आए बताए हमें। मैं बताऊं कि आज तक कोई जन्मा नहीं कि आकर कहने वाला। कोई भी आकर जन्मा नहीं कि कहने वाला कि ये सनातन से अलग हमारे पंथ में ये उपदेश है, और फिर इस सनातन को छोड़कर अगर जाकर कीचड़ में, गंदगी में गोता लगाए, उसको क्या कहोगे फिर? मतलब कोई भी पंथ, कोई भी मत, किसी के पास अगर वेद उपनिषद पुराण इनके उपदेशों से बाहर कोई उपदेश है, कोई अक्षर है, बताओ। हमने भी कईयों के नाम लिए, सब जानते हैं, जो जो देते हैं, एक के पास भी नहीं है।